वेलकम टू स्ट्रीम गाइस। अपन आ चुके हैं, जैसा कि सभी को पता है, हम लोग आ चुके हैं WBUC के क्वार्टर फाइनल ग्रुप 8 की तरफ। एंड ग्रुप 8 का एज यूजुअल फर्स्ट मैच लाइक साइनॉग, देन इरांगल, देन मिरामार, ये सारी चीज़ें तो फिलहाल तो ऑलरेडी मेंशन है। बट अगेन मैम रिपीट करते हुए करते हैं गेम पे फोकस। हमारे विमान जी अपनी डेस्टिनेशन की ओर ऑलमोस्ट रीच कर चुके हैं, टीमें भी अपनी अपनी डेस्टिनेशन की ओर जा चुके हैं। एंड यहाँ पे बात की जाए बूट कैम्प की दुनिया में, तो बूट कैम्प की दुनिया में आ चुकी हैं 3 टीमें यहाँ पे, बोले तो LUP, ऑल्सो REV, ऑल्सो CTR के प्लेयर्स एक ही डेस्टिनेशन को चूज कर चुके हैं। सिचुएशन 4v4 की है, बोले तो तीनों ही टीमों के बीच। एंड जस्ट अवेट गाइस, बस एक सेकेंड में स्ट्रीम चेक कर लो, बिकॉज ऑफ आज स्ट्रीम में फिर से थोड़ा सा इशू थी। एंड आज मैं यू नो वॉन्ट भाई, हेड शॉट कनेक्ट हो गया मुझे। मुझे डेटा कनेक्शन के चक्कर में, मुझे डेटा कनेक्शन से स्ट्रीम ऑन करनी पड़ी। फिलहाल हमारा डेटा भी तो ख़राब नहीं है। बड़ी बड़ी दुनिया में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। करते हैं गेम पे फोकस, एंड यहाँ पे करते हैं टीमों की फाइट को कवर। बिकॉज ऑफ अच्छा खासा टीमों की डेस्टिनेशन की बात की जाए, टीमें अपने भी डेस्टिनेशन की ओर जाती हुई अच्छा खासा देखा जाए। यहाँ पे BTG के प्लेयर्स साइनॉक के एजेस पे यहाँ पे देखा जाए तो अपनी लूट स्टार्ट कर चुके हैं। एंड आई थिंक सो शायद आ चुका है सॉरी मेरे को लगा यार मेरा वाईफाई आ गया, मेरा वाईफाई फिर मुझे धोखे दे रहा, थोड़ा सा झटके खा रहा है आज। एंड स्ट्रीम बस बफर ना हो भगवान की दया से। चलते हैं हम लोग TG के प्लेयर्स के साइड, आते हैं पाइनान की दुनिया में, जहाँ पे TG के प्लेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ लूट के साथ यहाँ पे देखा जाए तो महाकाल अपनी लूट को ध्यान में रखते हुए एकदम फुल ऑन एग्रेसिव मोड में पहले लूट कंप्लीट करेंगे, देन डायरेक्ट क्लोजर लेंगे, फाइट इंगेज करेंगे। एंड हो सकता है काफ़ी अच्छा चिकन डिनर भी यहाँ पे लेके जा सकती है टीम TG, बिकॉज ऑफ काफ़ी एग्रेसिव गेम है। लास्ट गेम आई थिंक सर 2 दिन पहले के स्ट्रीम में मैंने देखा था, तो दैट्स वाज के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ शायद महाकाल नेम मुझे जैसा कि रिपीट एंड रीड हो रहा है। एंड अदर हैंड बात की जाए यहाँ पे CTR के प्लेयर्स की, जो कि बूट कैंप में उतरे थे, एक ही डेस्टिनेशन थी 3 टीमों की, यहाँ पे 3 टीमों की ड्रॉप लोकेशन सेम होने की वजह से आई थिंक सो अभी के लिए CTR के प्लेयर्स बूट कैंप को क्विट कर चुके हैं। एंड अगेन प्यारा बॉय आ चुके हैं यहाँ पे। एंड प्यारा बॉय की डेस्टिनेशन क्या है, प्यारा बॉय अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जाना चाह रहे हैं। ठीक ठाक लूट के साथ EKM वगैरह मिल चुकी है। एंड यहाँ पे CRLS के प्लेयर्स की बात की जाए, CRLS के प्लेयर्स कंपाउंड बोले तो अलग अलग स्प्लिटेड यहाँ पे कंपाउंड की लूट क्लियर करना चाह रहे हैं। एंड अदर हैंड देखा जाए तो हमें जोन के एजेस पे एंड क्वेरी के साइड 2 टीमों का ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। और तो और यहाँ पे क्वेरी पे E4 के प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं होल्ड ऑन कर रहे हैं, लूट कम्प्लीट कर रहे हैं। एंड अगर MD एंड एरन के प्लेयर्स की फ़ाइट होती है तो E4 के प्लेयर्स कभी भी थर्ड पार्टी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ काफ़ी क्लोज वे हैं। एंड यहाँ पे अर्श की बात की जाए, अर्श बाई वैकल अर्श को आई थिंक सो टुकाशी वकाशी मिली है कि नहीं, आई थिंक सो नॉट। प्लीज़ जोन में भी टीमों को जाना है। एंड क्या वेलकम टू स्ट्रीम 7 आर्म्स गेमिंग कहने वाली थी मैं। नहीं वाईफाई हमारा बहुत ही प्यारा है, और एक्चुअली थोड़ा सा मानसून बहुत ही वेदर थोड़ा सा लॉल है इधर का, सो दैट्स वाई मुझे नेट कनेक्शन से करना पड़ा है। एक्चुअली जब मतलब वेदर ख़राब होता है तो हवाएं चलती हैं तो वायर हिलते हैं, एंड वायर हिलते हैं तो वायर ब्रेक हो जाते हैं, एंड वायर ब्रेक हो जाते हैं तो फिर लॉट्स ऑफ लॉल हो जाता है, एंड जब लॉट्स ऑफ लॉल हो जाता है तो मेरे साथ और भी ज़्यादा लॉट्स ऑफ लॉल हो जाता है। फिर आता इट्स ऑल राइट, आई थिंक सब 1 आर में परफेक्ट हो जाएगा। एंड अगर पहले थोड़ा सा मुझे गैस होता ना तो मैं कुछ बैकअप रखती, जस्ट 5 मिनट पहले ही रेड लाइट ब्लिप हो गई, मैंने कहा ओ माय गॉड क्या यार,
ब्रॉडबैंड है बट बहुत सा फ्लॉ है यार, क्या बताऊँ मैं। फिलहाल तो एक्साइटल का है, मैंने 3 वाईफाई चेंज करके तब ये लगवाया। सुनो मेरी दुख भरी दास्ता, मुझे पता था कोई विश्वास नहीं करेगा। ये फिलहाल तो इमोजी करके रखा है। खैर यहाँ पे 5 घंटे का और काफ़ी क्लोज आ चुके हैं यहाँ पे। एंटी मेंबर की बात की जाए यहाँ पे, आर्शन स्पॉट पे तभी एरिन के प्लेस को दे दिया है। नौकर अपने टीम के लिए सिचुएशन क्रिएट कर ली है 4v3 की। एंड अदर हैंड टीम नंबर 12 के साइड से बात की जाए, माइटी भी नॉक निकालना शुरू कर चुके हैं यहाँ पे। एरिन के प्लेयर्स को नॉक दे जा रहा है एल यू पे निंजा। वेयर इज एल यू पी की टीम? एल यू पी भी नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लोकेशन पे इधर फाइट ले रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं एल यू पी एंड आर ई वी के प्लेयर्स बूट कैंप में है। एंड यहाँ पे क्रोज काफी क्लोजर ले चुके हैं रॉकी के अगेंस्ट। एंड इधर देखा जाए तो उड़ाया उड़ाया जा रहा था भाई एरन के, एरन को उड़ा रहे हैं। आज तो खुद को कवर अप करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाएगा। ऋषि वाइटी ने स्पॉट करते हुए निंजा को भी दे दिया है नॉक। एंड इसी के साथ कहीं ना कहीं काफी टिपिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही है एल यू पी के प्लेयर्स की, बिकॉज ऑफ निंजा नॉक है, एटम नॉक है, वेलवेक्स एंड क्रोज के ऊपर आ चुका है पूरा का पूरा प्रेशर। बिकॉज ऑफ ओवरऑल देखा जाए तो ग्राउंड की साइड हमें दिख रही है, बोले तो रीच पे आ चुके हैं 15। बोले तो महाकाल की कमबैक, बोले तो एकदम ओपन ओपी वाली एंट्री हो चुकी है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का पेन देना चाहते हैं, फिनिशर स्पॉट करके एटम को फिनिश कर रहे हैं। एंड रॉकी ने स्पॉट करते हुए एच के प्लेयर्स को नॉक देना शुरू कर दिया। विष्णु ओपी स्पॉट करते सी टी आर के प्लेयर्स को नॉक देना स्टार्ट कर चुके। बोले तो विष्णु ओपी भी, बोले तो एक ही लोकेशन पे अलग अलग फाइट इधर स्टार्ट होगी। उधर प्यारा बॉय नॉक हो रहा है, आर बी एंड सी टी आर की फाइट। एंड यहाँ पे टी जी एंड एल यू पी का भी कुछ ना कुछ कंक्लूजन आने वाला। ई फोर के प्लेयर्स स्पॉट करते अपने अपोनेंट को फिनिश करते हैं। जॉय ने स्पॉट करते हुए शाहिल को नॉक दे दिया। यहाँ पे आई थिंक सीटीआर के प्लेयर्स भी कंक्लूजन आने वाला, बिकॉज ऑफ ओनली पैरासाइट एंड ओनली पैरासाइट लेफ्ट। शाहिल भी इधर नॉक है। एंड सामने सिचुएशन आरबी के अगेंस्ट में देखी जाए यहाँ पे पैरासाइट की तो आ चुकी है 1v4 की। अगर यहाँ पे पैरासाइट को अपनी एक टीम की पोजीशन निकालनी है, सिचुएशन ट्रैप करनी है, तो या फिर यहाँ पे पैरासाइट को क्लच करना पड़ेगा, अदरवाइज अभी के लिए फॉल बैक लेना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ काफी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही टीम नंबर 25 के साइड से। एंड डायरेक्ट क्लोजर लेना चाहेंगे टीम नंबर 3 के साइड से फुल ऑन एग्रेसिव मोड में एंड फुल ऑन कॉन्फिडेंस साथ। एंड इसी के साथ यहाँ पे विष्णु ओपी की विथ एम के एंट्री एंड सी टी आर पैरासाइट फिनिश्ड। एंड यहाँ पे देखा जाए तो सी टी आर हो चुकी है एलिमिनेट। बहुत ही बेहतरीन खेला आरबी के प्लेयर्स ने। एंड अदर हैंड बात कीजिए, अगेन चलते हैं जोन के एजेस पे जहाँ पे एरन एंड बीएच के प्लेयर्स फाइट इंगेज कर चुके थे। एंड ई फोर चर्सी ओपी ने स्पॉट करते हुए टीजे को नॉक कर दिया है। ई फोर क्या चाह रहे हैं? ई फोर के प्लेयर्स यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का सीन क्रिएट कर रहे हैं। टीजे एंड ऑल्सो एनटीएक्स के प्लेयर्स भी क्लोज हुए। फिलहाल यहाँ पे एनटीएक्स की बात की जाए, आई कैन अंडरस्टैंड मी टू एक्साइटल। अरे नहीं समझ सकते भाई क्या हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है। सर्विसिंग काफ़ी सही है, अब ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे, मतलब अच्छी सर्विसिंग है, जो सर्विस अच्छा देता है अच्छी है। पर आई डोंट नो क्या हो रहा है, अभी कुछ ज़्यादा ही सीन क्रिएट कर रहा है। रहते रहते NOS ऑन, सब कुछ ऑफ। LUP लेवल अप है। ओ भाई धन्यवाद पूरा बताने के लिए। आते हैं E4 चर्सी को, देखा जाए किसके लिए यहाँ पे चरस क्रिएट कर रहे हैं। चरस गांजा मेरे को प्यारा। कैरी मिनाटे का फैन कौन कौन है भैया? पूरी जनता ही होगी हमें तो लग रहा है। अच्छा है बंदा वैसे, बिग लेवल फैन, बिग मैं बड़ा वाला पंखा हूँ, पंखी हूँ बोल सकते हैं, नहीं पंखा यार फैन तो फिलहाल थेंगे, मैं अभी क्या बोल रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं अगेन यहाँ पे एनटीएक्स के प्लेयर के साइड से आते हैं। एनटीएक्स के प्लेयर्स यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? नाइट्रो से याद आया डिस्कॉर्ड का नाइट्रो फिनिश हो गया। नाइट्रो से याद आया यहाँ पे नाइट्रो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को कवर करना चाहेंगे। बिकॉज ऑफ अभी नाइट्रो ये जो अंडर वाटर आराम से तैर रहे हैं, इन्हें नेक्स्ट लेवल का पेन दिया जा सकता है E4 के साइड से। एंड यहाँ पे अंडर वाटर के चक्कर में लॉस ऑफ लॉल थिंग भी होती है, बिकॉज ऑफ प्लस का आइकन भी नहीं आता अगर अंडर वाटर प्लेयर्स नॉक होते हैं तो। एंड देखा जाए ऋषि वाइटी जो कि फिनिशर स्वैग एंड महाकाल को खोने के बाद सोलो सेपरेट अपनी टीम की पोजीशन निकालना चाहते हैं। एंड देखा जाए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को ऋषि वाइटी कवर करना चाहेंगे, बट ऋषि वाइटी की सिचुएशन देखी जाए, ऋषि वाइटी ऑलरेडी
थ्री डायरेक्शन से ग्रैब है, NTX E4 एंड लेवल अप भी यहीं पर है। एंड लेवल अप की सिचुएशन एंड पोजीशन की बात, लेवल अप के प्लेयर्स आर बोले तो REV के अगेंस्ट में बोले तो यहाँ पे रॉकी को ग्रैब करके फिनिश कर चुके हैं। इसी के साथ REV की टीम हो चुकी है एलिमिनेट एंड यहाँ पे CRLS के प्लेयर्स काफी क्लोज में आ चुके। चलते हैं CRLS के साइड से बात कीजिए। FTW बोले तो मेटा एंड D2E इधर नॉक हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे D2E को रिवाइव किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल D2E को कवर करना चाहेंगे एंड ऑल्सो मेटा को भी यहाँ पे कवर करना चाहेंगे। क्लोज में देखा जाता है यहाँ पे TFW एंड ऑल्सो 4AM के प्लेयर्स है। 4AM की साइड से बात की जाए, यहाँ पे 4AM के प्लेयर्स जो कि डिपार्टमेंट 14 अच्छा खासा ब्रिज ब्लॉक कर रही थी, उनका ब्रिज ब्लॉक तहस नहस कर चुके हैं एंड अदर हैंड नेक्स्ट लेवल पर डैमेज हिटमैन को ऐसा हिट दिया गया कि यहाँ पे हिटमैन ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हिटमैन को कवर अप करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे। और कभी भी टीम नंबर 11 जैसा कि ब्रिज को दोनों ही साइड से अलग अलग टीमों ने ग्रैब कर रखा है एंड दैट्स व्हाई टीम नंबर 14 की सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो चुकी है। इसी के साथ जॉन को स्पॉट करते हुए दिशु इधर नॉक एंड फिनिश करना चाहते हैं, जैसा कि दिशु ने स्पॉट करते हुए जॉन को फिनिश कर दिया एंड टीम नंबर 14 की काफी टिपिकल सिचुएशन से ग्रैब है। काफी ज्यादा सैंडविचेस बनने की चांसेस हैं यहाँ पे टीम नंबर 14 की एंड टीम नंबर 8 की। डायरेक्ट धीरे धीरे आहिस्ता से यहाँ पे क्लोज रहना चाहते हैं बट यहाँ पे मेटा ने स्पॉट करते हुए अपने अपोनेंट के प्लेयर्स को काफी बेहतरीन नॉक दिया एंड इसी के साथ दो नॉक आ चुके हैं टीम नंबर 14 के साइड से। टीम नंबर 8 की तरफ बोले तो ज़ामोरेक एंड बहुत ही स्टाइलिश नेम है यार 4AM666 दो प्लेयर्स इधर नॉक डाउन हो चुके। ओली लेफ्ट ZY एंड 4AM गॉड वेयर इज गॉड गॉड यहाँ पे स्मोक की वॉल जनरेट करके फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी टीममेट को रिवाइव करना चाहेंगे एंड अदर हैंड बात की जाए टीम नंबर 11 की जो कि अभी भी अपने अपोनेंट को टीम नंबर 14 के ऊपर ही पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं एंड टीम नंबर 14 के ही प्लेयर्स को नॉक एंड फिनिश करना चाहते हैं। हिटमैन एंड अंकल जॉन तो फिलहाल फिनिश हो चुके हैं। इसी के साथ यहाँ पे ट्रिक्सी का डैमेज आया बोले तो नॉक आया एंड मेटा नॉक हो चुके हैं। उधर इनसेन लेवल अप निंजा को स्पॉट करके नॉक करे एंड यहाँ पे ये क्या होने लगा, लेवल अप लेवल के क्लोज में आ चुके हैं। ओवरऑल ग्राउंड पे बात की जाए टीम नंबर 16 एंड टीम नंबर 16 के क्लोज में है यहाँ पे जी मैन की टीम। सिचुएशन 4v2 की है फिलहाल तो वेलवेक्स ऑलरेडी नॉक, ओनली क्रोज लेफ्ट निंजा आइटम फिनिश सिर्फ और सिर्फ इस टाइम क्रोज लेफ्ट है जो कि अंडर वाटर आई थिंक सो थोड़ा सा डावट करना चाहते हैं अपने एनिमी को, थोड़ा सा फॉल बैक लेते हुए फुल रोटेट करना चाहेंगे एंड यहाँ पे जीवन के साइड से बात की जाए यहाँ पे जीवन के प्लेयर्स अच्छा खासा अपने एनिमी को स्पॉट करते हुए वेलवेक्स को फिनिश करना चाहेंगे एंड अदर हैंड अगेन चलते हैं हम लोग IDWN के प्लेयर साइड से बात की जाए। हैरिड नॉक है बोले तो यहाँ पे अलीथ फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को रिकवर करना चाहेंगे एंड क्लोज में एनिमी अपोनेंट टीमों की बात की जाए तो यहाँ पे क्लोज में टीम नंबर 10 बोले तो E4 है, स्केपो है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉक निकालने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ पे चर्ची हो पे भी आ जाएगी। सिनी जो स्पॉट करते हुए यहाँ पे ब्रॉन बॉय को नॉक किए हैं। अलीथ ऑलरेडी जोन से नॉक डाउन हो रहे हैं एंड इसी के साथ यहाँ पे अलीथ की टीम हो चुकी है एलिमिनेट। बहुत ही वेल परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है टीम नंबर 10 के प्लेयर्स ने एंड अदर हैंड अच्छा खासा यहाँ पे टीम नंबर 10 का बोले तो अच्छा खासा फिनिशेस निकाल चुके, बोले तो 5 फिनिशेस यहाँ पे निकाल चुकी है टीम। केयरलेस करके खेलना, चलो केयरलेस की तरफ चलते हैं। आई थिंक सो ये है केयरलेस, हाँ थोड़ा सा मेरा कॉमन सेंस अच्छा है, थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छा है अपने मोमिया मिट्टू। खैर यहाँ पे टीम नंबर 14 करना चाहेगी नॉट टीम नंबर 12 करना चाहेगी जोन प्रेफर एंड यहाँ पे टीम नंबर 14 की बात की जाए तो टीम नंबर 14 क्या ब्रिज ब्लॉक करना चाह रही, आई थिंक यस टीम नंबर 14 इधर ब्रिज ब्लॉक करना चाह रही एंड जैसा कि हमने सिचुएशन देख ही रहे हैं टीम नंबर 14 लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइड ही टीमें हैं TFW एंड ऑल्सो 4AM के प्लेयर्स हैं एंड यहाँ पे E4 की बात की जाए E4 के प्लेयर्स अच्छा खासा बोले तो कंपाउंड ग्रैब कर रहे हैं और तो और यहाँ पे एरन के प्लेयर्स का रोटेशन आ चुका है जोन के लिए, MD के प्लेयर्स पाइन ऑन होल्ड कर रहे हैं बट यहाँ पे लेवल अप क्रोज जो कि सिंगल एंड सेपरेट अंडर वाटर डाल रहे हैं, इन्हें थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं एंड यहाँ पे बात की जाए तो टफर टफ फिर से पढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। मेटा FTW को डैमेज भी दिया गया इनकी बोले तो हेलमेट उड़ चुका है और तो और बात की जाए यहाँ पे FE के प्लेयर्स के सामने है कौन देखते हैं यहाँ पे FE के क्लोज में है पर्पल बोले तो लिक्विड की टीम। सिचुएशन है 4v3 की एंड यहाँ पे
देखा जाए तो FEK प्लेयर को बोले तो वन प्लेयर को फिनिश्ड आउट भी कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ थ्री प्लेयर्स। एंड सिचुएशन FEK अगेंस्ट में लिक्विड की आ चुकी है 4v3 की, एंड इधर दैट गॉट एंगल से देखा जाए तो दैट गॉट विद M4 विद 3x यहाँ पे FEK प्लेयर्स को नॉक एंड पुश की स्ट्रैटर्जी अपनाना चाहेंगे। एंड आई थिंक सो पूरा पूरा एंगल बनाया जा रहा है लिक्विड के प्लेयर के साइड से, फुल रोटेट करने की, पूरा का पूरा एंगल ओपन करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही। एंड गुलशन यहाँ पे OP को स्पॉट करके नॉक करना चाहेंगे। एंड अदर हैंड बाकी टीमों की सिचुएशन की बात की जाए तो जो सेकेंड ब्रिज है हमारा साइनो की दुनिया में बूट कैम्प के क्लोज, NTX एंड जेमन का भी रोटेशन आ चुका है। लेवल अप क्रोज अभी भी अंडर वाटर ही जोन के अंदर अपने लिए सेफ एंड सेपरेट प्लेस ढूंढना चाहेंगे। एंड अदर हैंड यहाँ पे जेमन नेक्स की बात की जाए, भाई ये क्या हो गया, सो सैड, दिल से बुरा लग रहा है यहाँ पे लेवल अप क्रोज के लिए। FEK प्लेयर्स एंड ऑल्सो NTX प्लेयर ने स्पॉट करते हुए यहाँ पे फिनिश कर दिया। एंड NTX के प्लेयर को स्पॉट करते हुए जेमन के साइड से नॉक दे दिया गया। एंड यहाँ पे टीम नंबर 9 एंड टीम नंबर 18 काफी क्लोज आ चुके। फिलहाल जेमन काफी अच्छा एंड फुल ऑफ एग्रेसिव मोड में खेल रहे हैं, अभी तक अपनी टीम के लिए 4 फिनिशर्स निकाल चुके हैं। एंड सामने NTX के प्लेयर्स की बात की जाए, नाइट्रो जो कि अभी तक बहुत ही हैप्पीली फुल साइड नॉक में हमें घूमते दिखाई दे रहे थे, BH के प्लेयर्स इधर नॉक स्टार्ट कर चुके एरन के अगेंस्ट में। BH एरन एंड ऑलरेडी और भी कौन है, MDK के प्लेयर्स भी एरन को फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल जोन पे प्रेफर करना चाहेंगे। यहाँ पे BTG का रोटेशन आ चुका है। एंड इधर NTX एंड NTX के सामने है टीम नंबर 18। फिलहाल तो नाइट्रो को नॉक कर चुका है, पूरे का पूरा प्रेशर पनिशर एंड GS के ऊपर आ चुका है बिकॉज ऑफ नाइट्रो नॉक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रो को रिवाइव करने की कोशिश, बट नाइट्रो का नॉक होना एंड यहाँ जेमन के पास बहुत ही प्यारा मौका है ब्रिज क्रॉस करने का एंड डायरेक्ट क्लोज लेने का, बट ये क्या टीम नंबर 9 के जस्ट बैक साइड से टीम नंबर 3 भी हमें शो हो रही है। RB के प्लेयर्स भी धीरे धीरे आ रहे हैं एंड अगर RB के प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं तो काफी नेक्स्ट लेवल की फाइट हमें देखने को मिलेगी, बट काफी क्रिटिकल सीन यहाँ जीमैन एंड ऑल्सो NTX प्लेयर्स के लिए होगा एंड काफी नेक्स्ट लेवल का डैमेज टीम नंबर 9 के साइड से टीम नंबर 10 के प्लेयर्स को दिया गया है। गुलशन ने स्पॉट करते हुए FEK के प्लेयर्स को नॉक अनफिनिश कर दिया, इधर इनसेन नॉक हो चुके हैं टीम नंबर 9 नेक्स्ट लेवल का पेन बोले तो इंक्रीज कर रही। एंड यहाँ पे नाइट्रो ने स्पॉट करते हुए इनशेन को फिनिश कर दिया एंड अपनी टीम के लिए सिचुएशन क्रिएट कर ली है 3v3 की। लंबे लंबे ट्रेन हमें देखने को मिल रहा है, लिक्विड के प्लेयर्स FEK अगेंस्ट फाइट ले रहे एंड आई थिंक सो FEK हो चुकी एलिमिनेट। यहाँ पे गुलशन ने स्पॉट करते हुए क्रॉस OP को फिनिश करके FEK को कर दिया है वाइब एंड यहाँ पे FEK हो चुकी है एलिमिनेट। अदर हैंड बात की जाए, अदर हैंड चलते हैं हम लोग TFW की तरफ। यहाँ पे TFW GSOP नॉक भी होने लगे हैं, देखते हैं यहाँ पे ये लोग किसके अगेंस्ट में फाइट लेना चाहते हैं। टीम नंबर 11 के क्लोज में है टीम नंबर 10, सिचुएशन 4v3 की। एनजीएस नॉक है तो इस हिसाब से सिचुएशन आ चुकी 4v2 की। ओलनी को भी नॉक पड़ना स्टार्ट हो चुका है 4E के अगेंस्ट में। एंड अदर हैंड देखा जाए केलवर 11 नंबर गाड़ी पकड़ के डायरेक्ट क्लोजर लेना चाहेंगे टीम नंबर 11 के अगेंस्ट बिकॉज ऑफ टीम नंबर 11 जीशो जीएस नॉक ओनली लीडर लेफ्ट। काफी पैनिक सिचुएशन आ चुकी है लीडर के ऊपर बिकॉज ऑफ सामने से पुश आ रहा है एंड अपोनेंट के प्लेयर्स का आरएन की फाइट नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चल रहे। E4 सीनी जो स्पॉट करते हुए दिशु को फिनिश कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशन को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। एंड हमें दिख रही है वॉल, फिलहाल अब आई थिंक सो कुछ दिखेगा, ये थोड़े बहुत BGMI के नशे हैं जिसका सामना हमें करना पड़ता है, ये भी एक दुख भरी रास्ता है। खैर भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा डेटा से भी स्ट्रीम इतनी अच्छी चल सकती है, हाउ इज इट पॉसिबल, वो भी एयरटेल। हम तरफ एयरटेल अच्छा नहीं चलता, बट अच्छा चल रहा है आज, इज्जत की बात थी, इज्जत बचा ली मेरी बंदे ने, मतलब सब ने, नॉट बंदे ने। थैंक यू सो मच विग्ड ओपी यार, विग्ड ओपी मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है, ओपी गेमिंग यही सब चलता रहता है, लॉट्स ऑफ लॉल। जिंदगी सवार दो एक नई बहार दो। डीजल को पड़ चुका है नॉक, आते हैं डीजल की तरफ। डीजल ही है ना, हाँ। टॉक्सिक द टॉक्सिक वेयर इज द टॉक्सिक ओली ट्रेनिंग अपनी वाका से आ रहा है, फुल धूम वाली एंट्री दी जा रही है यहाँ पे टीम नंबर 19 के साइड से। एंड अदर हैंड देखा जाए क्लोज में है टीम नंबर 20 के प्लेयर, सिचुएशन टीम नंबर 20 के अगेंस्ट में टीम नंबर 19 की 4v3 की। एंड यहाँ पे लिक्विड, जैसा कि लिक्विड के प्लेयर्स ऑलरेडी अपने अपोनेंट के स्पॉट कर रहे हैं जोन के एजेस पे, दोनों ही टीमें फाइट लेना चाहेंगी। ओली बोले तो ओली यहाँ पे
फोर्थ जोन हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड कुछ ही सेकंड में जोन टच कर जाएगा। 4 AM के प्लेस BTG शैडो को नॉक करे BTG एंड 4 AM काफी क्लोज आ चुके हैं। यहाँ पे 4 AM के एंगल से देखा जाए तो 4 AM टीम नंबर 4 और BTG दोनों ही टीमों को यहाँ पे स्पॉटेड नॉक निकालना चाहेंगे। एंड अदर हैंड 4 AM 666 की बात कीजिए अपनी BMW से आ चुके हैं भाई जोन के एजेस पे एकदम फरारी वाली BMW लेकर आए हैं। मतलब दो गाड़ी को एक मैंने मैच करके बना दिया फरारी एंड BMW। वाओ फिलहाल तो किंग्स ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुके हैं। शैडो ओपी नॉकआउट है। यहाँ पे रूट के ऊपर आ चुका है पूरा का पूरा प्रेशर बिकॉज ऑफ टीम की सिचुएशन। पोजीशन डिपेंड ऑन टीम नंबर 17 लास्ट प्लेयर BTGX रूट। एंड अदर हैंड बात की जाए क्लोज में जैसा कि हमें ग्राउंड पे जस्ट साइड में शो हो रही टीम नंबर 10 के प्रेशर इसी के साथ यहाँ पे BTGX पोजीशन स्पॉटेडिंग। यहाँ पे RCOP एंड स्कैपो के एंगल से देखा जाए तो स्कैपो 4M के अगेंस्ट में नॉक पे नॉक निकालना चाह रहे हैं। 4AM के प्लेस के लिए नेक्स्ट लेवल का पेन बन रहा है। एंड एरन ऑलरेडी अपने एनिमी एरन फ्रोस्टा यहाँ पे अपने एनिमी को स्पॉटेड नॉक करने की पूरी कोशिश। बट ये क्या फ्रोस्टा अपनी ही मॉली से इधर फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे एरन की टीम हो चुके एलिमिनेट आ गए हैं हम लोग। केयरलेस तरफ यहाँ पे मेटा एंड ऑल्सो D2E क्या करना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ओनली 16 सेकंड लेफ्ट जोन में भी जाना है बट ऑलरेडी INF के प्लेयर्स को यहाँ पे मेटा स्पॉट के लिए बैटिंग करने की बहुत ही खूबसूरत नॉक करने की पूरी कोशिश। बट ट्रेडिंग जा चुके हैं कवर में ओनली 7 सेकंड लेफ्ट। फिफ्थ जोन स्टार्ट होने वाला फटाफट यहाँ पे मेटा को करना है जोन पर। सामने है टीम नंबर 10 काफी क्रिटिकल सीन भी हो सकता है यहाँ पे केयरलेस बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखा जाए तो सामने है टीम नंबर 10 फुल स्क्वाड के साथ फुल एग्रेसिव बोल में अपनी टीम के लिए 9 फिनिशर्स निकल के NTX ने इधर जेमिन को नॉक दिया। जेमिन के किसने फाइट इन शॉट है ओनली बॉस एंड पेन लेफ्ट बिकॉज ऑफ अरे भाई बॉस इधर नॉक है। निक की हेल्थ काफी डाउन हो चुकी है ओनली पेन लेफ्ट। पूरी की पूरी टीम की सिचुएशन इस टाइम डिपेंड ऑन पेन एंड पेन को फर्स्ट ऑफ ऑल जोन प्रेफर करना है। फिफ्थ जोन आ गया काफी डैमेज देगा एंड इसी के साथ E4 चर्सी अगेन चरस बोले तो पैदा करने लगे हैं। एंड यहाँ पे RB के क्लोज में टीम नंबर NTX जस्ट बैक साइड यहाँ पे 360 OP को नॉक कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 360 OP को कवर किया जाएगा। रोटेशन आ चुका है यहाँ पे लिक्विड प्लेयर्स का एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं नाइट्रॉक्स नेक्स्ट लेवल का पेन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे थीरो जॉइन आरबी के प्लेयर्स बट यहाँ पे क्या जैमरॉक को नॉक पड़ चुका है। ओनली ट्राइजी बचे हुए हैं पूरी की पूरी टीम की सिचुएशन इस टाइम डिपेंड करी ट्राइजी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइजी जोन पर प्रेजेंट चाहिए नाइट्रो RB स्लेयर को नॉक करे एंड आई थिंक सो RB का भी कुछ ना कुछ कंक्लूजन आने वाला होगा। 3 प्लेयर्स लेफ्ट ओनली विशु OP बचे हुए हैं जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी टीममेट्स को रिवाइव करना चाहेंगे। बट उससे पहले ही नाइट्रो आ चुके हैं जोन के एजेस पे फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प करके डायरेक्ट क्लोजिंग एंड चाहेंगे। BHP प्लेयर जोन से जा रहे पनिशर ने स्पॉट करते हुए अपोनेंट को नॉक दे दिया। पनिशर के एंगल से देखा जाए यहां पे पनिशर क्या करना चाह रहे हैं। 3 जॉय को फिनिश किया जा रहा है लिक्विड डेथ गॉड को शनि जॉय का किल मिल रहा है। नाइट्रोक्स ने यहाँ पे जॉय को फिनिश कर दिया एंड पनिशर फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को कवर करते हुए जोन में जाना चाहेंगे। फिलहाल तो 6 जोन स्टार्ट है एंड पनिशर के पास नो जो कि हमें पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं। एंड आई थिंक सो पनिशर की जान खतरे में बिकॉज ऑफ नो हेल्थ एंड जोन काफी डैमेज है। सामने टीमों की सिचुएशन भी काफी क्रिटिकल है। पनिशर तो नॉक होने वाले हैं इससे पनिशर यहाँ पे नॉक हो चुके ओली लेफ्ट नाइट्रो जोन से पनिशर जा रहे हैं। नॉक RB के प्लेयर्स के लिए नेक्स्ट लेवल का पेन क्रिएट कर रहे हैं। उधर एल लिक्विड के प्लेयर्स ओनली ट्रेनिंग को नॉक करे RB स्लेयर यहाँ नाइट्रो ने RB स्लेयर यहाँ पे स्कैपो ने BH अभी को नॉक कर दिया। ओनली अर्श लेफ्ट जो कि जोन में इस वक्त अर्श भी फिनिश हो चुकी है। यहाँ पे नाइट्रो की बात की जाए नाइट्रो अभी भी आउट ऑफ जोन है 28 मीटर जोन में जाना है। एंड E4 के प्लेयर्स की बात की जाए भाई चर्सी OP ने क्या चरस क्रिएट किए ऑलरेडी 6 फिनिशर्स अपने बोलो 6 फिनिशर्स सिंगल निकाल रखे हैं टीम के लिए। 12 फिनिशर्स यहाँ पे E4 ने निकाल रखे अपने अकाउंट में ऐड कर रखे। चर्सी ने स्पॉट करते हुए लिक्विड राम इतना रैम ऑन रोम का जमाना आ चुका है ना कि अपन को राम ही दिखता है। खैर यहाँ पे राम को नॉक दे दिया गया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुलशन एंड अदर प्लेयर्स यहाँ पे कवर करना चाहेंगे राम को। 3 टीमें केयरलेस टीम नंबर 8 बोले तो ट्रिक्सी एंड ऑल्सो लिक्विड। सिचुएशन यहाँ पे 1v1 की है टीम नंबर 40 एंड टीम नंबर 8 की। क्या लगता है
किसका चिकन होगा। फिलहाल तो जोन सपोर्ट में है इस टाइम, कहीं ना कहीं जोन हमारा सेंट्रलाइज्ड एंड ऑलरेडी थ्री बोले तो तीन की तीनों टीमें आउट ऑफ जोन है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड प्रेस जोन का एजिस टच करना चाहेंगे, एजिस ग्रैप करना चाहेंगे एंड ऑल्सो यहाँ पे 7, 8 and 14 को भी आना है जोन में। फिलहाल तो काफ़ी टिपिकल मूवमेंट चल रहा है एंड आई थिंक सो 7 जोन हमारा स्टार्ट होने वाला है, ओनली 5 सेकेंड लेफ्ट। सो गाइस क्या लगता है किसका चिकन डिनर होगा, करो अपनी अपनी टीम का स्पैम एंड देखते हैं हमारा प्रिडिक्शन क्या कहता है कि किसका होने वाला है चिकन डिनर। एंड इसी के साथ यहाँ पे नॉक हो चुके हैं ओपीजी, बट गुलशन ने कवर करते हुए यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन कवर दिया एंड फिनिश करिए। दो टीमें 1v4 के सिचुएशन बोलते, अगर टीम नंबर 8 को चाहिए चिकन डिनर। तो यहाँ पर 1v4 एंड इसी के साथ लिक्विड की प्लेयर्स कॉन्फिडेंट बोलते एंड यहाँ पे हो चुका है विनर चिकन डिनर। टीम लिक्विड बहुत ही बेहतरीन फिनिश के साथ हो चुका है चिकन डिनर। सेकंड आई है 4 AM एंड थर्ड आई है केयरलेस। तो चलते हैं, मिलते हैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद। बट E4 के प्लेयर्स ने भाई बहुत अच्छे फिनिशेस निकाल रखे हैं अपनी टीम के लिए, 12 फिनिशेस टोटल। ये देखो मेरी फोकट की आईडी है, फिलहाल तो अभी बनाई है मैंने, एक्चुअली डेटा ट्रांसफ़र नहीं किया है। आईडी तो सही है पर इसका डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, इसका भी लेवल है बट इसकी बेइज्जती कर दी है BGMI वालों ने बिकॉज ऑफ फेसबुक ट्रांसफ़र आई थी, अभी शायद नहीं हो रहा। हटा देते हैं नहीं तो अभी स्विगी वालों को आना पड़ेगा। सो गाइस चलते हैं, मिलते हैं शर्मा के ब्रेक के बाद। अगेन रिमाइंड करवा देते हैं कि जिसने भी स्ट्रीम को लाइक नहीं किया होगा क्या करना है, स्ट्रीम को लाइक करना है, शेयर करना है एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बरकरार रहें और अपन आगे हैं कुछ टाइम में।
नकली अरे जरूर लोड़े, तो तुम वो चर्ची ड्रेस नाम को भी कर अपीयरेंस लिया कौन सी यार, है? लोड़े माँ की चूत तेरी, सच्ची नाम गाड़ी को में भी कर लाओ, लिया सच्ची गाड़ी चर्ची लाओ लोड़े। उसको चल फिर। जा साथ मारो, चर्ची जा। ओके सर। वेलकम टू अगेन स्ट्रीम गाइस, बना चुके अगेन रैंगल की दुनिया में। टोटल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं 17 टीमें, 65 प्लेयर्स। एंड बात की जाए ओवरऑल टीमों की डेस्टिनेशन की, तो मैक्सिमम टीमें स्प्लिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल लूट को प्रायोरिटी देते हुए अपनी लूट कंप्लीट करना चाहेंगे। एंड अदर हैंड देखा जाए हमें फार्म के एरिया में एंड ऑल्सो फार्म के साइड के कंपाउंड यहाँ पे स्प्लिटेड टीमें लूटते हुए दिख रही हैं। बोले तो BH के प्लेयर्स यहाँ पे एकदम स्प्लिटेड होकर फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लूट को प्रायोरिटी देते हुए लूट कंप्लीट करना चाहेंगे। एंड यहाँ पे BTG के प्लेयर्स भी कंपाउंड लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। याशना की दुनिया में हमें दो टीमों का ट्रैफिक देखने को मिलता है, बोले तो दो टीमें एक ही डेस्टिनेशन पे यूट्यूब एंड FE के प्लेयर्स हैं। एंड FE बोलते ब्रो, एक सेकेंड, ओके करते हैं यहाँ पे फिलहाल तो गेम पे फोकस। मैंने देखा ही नहीं था ये चीज़। फिलहाल मैंने ग्रुप 7 का रिजल्ट शो कर दिया था, अभी आफ्टर स्ट्रीम भी मैं एक बार और शो कर दूँगी, तो आप लोग उधर से चेकआउट कर लेना। अदरवाइज आप डीसी पे फिर कॉन्टेक्ट कर लेना, मतलब डिस्कॉर्ड पे आप कॉन्टेक्ट कर लेना। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए BTG एंड ऑल्सो BTG के क्लोज में है लेवल अप के प्लेयर्स। एंड अदर हैंड मिलिट्री की तरफ भी बोले तो मिलिट्री के एरिया में दो टीमों को ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, तो RB एंड ऑलरेडी TNS के प्लेयर्स सिचुएशन 3v3 के BTG के प्लेयर्स ने स्पॉट करते हुए यहाँ पे लेवल के प्लेयर्स को नॉक देना शुरू कर दिया है। एंड अदर हैंड यहाँ पे क्रोज नॉक हो चुके हैं, क्या क्रोज को कवर अप किया जा पाएगा? फिलहाल तो क्रोज के टीममेट काफ़ी स्प्लिटेड हैं एंड यहाँ पे कवर अप करने के लिए काफ़ी टिपिकल सीन बोले तो काफ़ी ज़्यादा पेन उठाना पड़ेगा यहाँ पर लेवल अप के प्लेयर्स से। बट आई थिंक तो उससे पहले ही यहाँ पे BTG के प्लेयर्स स्पॉट करते हुए क्रोज
उसको फिनिश करना चाह रहा है, फिनिश आउट करना चाह रहा है। एंड मिलिट्री की तरफ बात की जाए, यहाँ पे मिलिट्री के प्लेयर्स, मिलिट्री की टीम ने बोले तो, मिलिट्री में जो टीमें गई हैं बोले तो आई ओन के प्लेयर्स ने यहाँ पे अपने अपोनेंट लाइक अ स्लेयर को नॉक एंड फिनिश कर दिया है। ब्राउन बॉय ने इसी के साथ अपने अकाउंट में 1 finishes भी ऐड कर दिया है। एंड अदर हैंड बात की जाए यहाँ पे बोले तो दोनों ही टीमों की सिचुएशन इस टाइम 3v3 की आ चुकी है। एंड टीम नंबर 20 की बात करते हैं, ओके नीलू एफ टी डब्ल्यू ने स्क्वाड करते हुए फिनिश कर दिया है यहाँ पे आरबी के प्लेयर को। बोले तो आरबी सॉरी थीरू जॉय को एनफोर्स्ड कॉल विशु ओपी, क्या विशु ओपी अभी के लिए फॉल बैक लेना चाह रहा है। विशु एंड 360 ओपी थोड़ा सा यहाँ पे मिड रेंज कवर कर रहे हैं। एंड अदर हैंड केयरलेस फाइट इंगेज कर चुकी है, डी टू ई को नॉक पड़ चुका है, बी एच के प्लेयर्स काफी क्लोज में। एंड यहाँ पे बी एच की बात की जाए, बी एच ने एफ टी डब्ल्यू डी टू एफ टी डब्ल्यू को नॉक करके अपनी टीम के लिए सिचुएशन क्रिएट कर ली है। बोले तो स्कॉट वर्सेस ट्रियो की अनिलू एफ टी डब्ल्यू उधर थीरू जॉय को फिनिश कर रहे हैं जैसा कि हम देख के आ रहे हैं। एंड एम डी अर्श इधर डी टू ई को फिनिश कर चुके हैं। बी एच यहाँ पे बी एच की बात की जाए, अभी ने अपने अकाउंट में 1 finishes ऐड कर लिए। एंड अदर हैंड बाकी टीमों की सिचुएशन एंड पोजीशन यहाँ पे देखी जाए, ओनली एंड लेवल अप काफ़ी क्लोज में है। एंड अदर हैंड देखा जाए E4 के प्लेयर्स हमें इरांगल के एजेस कामर शेखी में लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बाकी टीमों की बात की जाए तो जॉर्जियो में हमें 2 टीमों का ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। NTX एंड NTX क्लोज में है एरन, एरन के यहाँ पे प्लेयर्स नॉक बोले तो यहाँ पे एरन के प्लेयर्स को नॉक पड़ना स्टार्ट हो चुका है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एरन एरन फ्रोस्टा अपने टीम को कवर करना चाहिए। एंड NTX के साइड से बात की जो GS ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो चुके हैं। और तो और नाइट्रोक्स साइड से बात की जाए, नाइट्रोक्स तो नॉकआउट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओलंपी फुल प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे नाइट्रोक्स को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे टीम नंबर 12 को स्पॉट करते हुए नॉक एंड फिनिश करने की पूरी पूरी कोशिश की गई ओलंपी के साइड से। टीम नंबर 12 के साइड से बात की जाए, एरन के प्लेयर्स का डायरेक्ट रश आ चुका है ओलंपी के अगेंस्ट। बाइक बहुत ही प्यारा टाइम है बट अलग भाई, यहाँ पे ओलंपिक नॉक करते हुए यहाँ पे ओलंपिक का 1v2 होने वाला। बट एरन के प्लेयर्स फ्रोस्टा ने ओलंपिक को नॉक दी है बट बहुत ही अच्छे टाइम पे पनिशर का कवर। एंड इसी के साथ यहाँ पे एरन हो चुके एलिमिनेट इजली। ओलंपिक एंड नाइट्रो को रिवाइव कर लीजिएगा बिकॉज ऑफ क्लोज में अभी तो टीम में नहीं है। जेमिन के प्लेयर्स बिग बिल्डिंग पूरा का पूरा क्लियर करके देन एंट्री लेंगे। एंड टीम नंबर 20 की बात अब करते हैं। फिलहाल तो हमें प्रिजन एंड शेल्टर के एरिया में काफ़ी टीमों को ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। एंड अदर हैंड टीम 20 की बात की जाए, वेयर इज टीम 20? टीम 20 है भी यार कि मेरे से मजाक चल रहा है भैया जी, आपकी टीम 20 तो है ही नहीं लिस्ट में, जाके जरा ढूंढ के आए किधर है। गाइस अगर इको आ रहा होगा तो प्लीज मुझे बताइयो। फिलहाल हमारा वाईफाई सही हो गया, कितनी बड़ी न्यूज है ना, पार्टी होनी चाहिए इस पे। डोमिनोज की पार्टी करेंगे हम, पारी हो रही है। फिलहाल तो यहाँ पे रेक्स कब आराम फरमा रहे हैं। नाइट्रो के ग्लिन, अरे भैया ये क्या हो गया, नाइट्रो के साथ फुल टीम वाई बोलते, कौन था ये होनहार प्लेयर जिसने फेंका है ग्रेनेड। एंड इसी के साथ नाइट्रो हो चुकी है एलिमिनेट। बहुत ही खूबसूरत खेला यहाँ पे देखा जाए नाइट्रो बोले तो NTX के प्लेयर ने जिसने भी एक ग्रेनेड फेंका था, मतलब अपनी टीम को खा के बैठ गए। लॉट्स ऑफ लॉल थिंग। अदरवाइज आते हैं शेल्टर एंड फार्म एंड मिल्टा की दुनिया में, यहाँ पे BTG एंड INF के प्लेयर्स क्लोज लेते देख रहे हैं। एंड ऑलरेडी लेवल अप की बात की जाए, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे क्लोजिंग ली गई है LTG के साइड से। एंड अपने अकाउंट में 3 finishes ऐड कर लिया। एंड अदर हैंड देखा जाए RB यहाँ पे हो चुकी है एलिमिनेट। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे गेम प्ले दिया है RB सॉरी टीम नंबर 13 के प्लेयर्स ने। आधे घंटे रुको दे रहे हैं लास्ट स्ट्रीम में। हेलो गुलशन जी, अरे हम चैट्स पढ़ते हैं यार, एक्चुअली 1 minute लेट चलता है सो दैट्स व्हाई। चैट्स पढ़ने मुझे कोई इशू नहीं है, स्टार्टिंग में ही मैं चैट्स पढ़ती हूँ, लास्ट में मैं चैट्स थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ बिकॉज ऑफ लास्ट में फाइटें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। एंड स्टार्टिंग में प्लेयर्स ईजिली लूटते रहते तो उस टाइम चैट्स पढ़ना ईजी होता है, कम्फर्टेबल होता है। एंड वाई देयर इज़ ओनली 1 player फॉर लिक्विड ई स्पोर्ट, आई डोंट नो, देख लेते हैं।
स्पोर्ट है कहाँ? लास्ट गेम में थी, इसमें मेरे को नहीं दिख रही है। टीम नंबर 13 भी आई थिंक सो एक न्यू टीम आई है या फिर पुरानी होगी, फर्स्ट में ज्वाइन नहीं किया। नॉट नहीं शो हो रही मेरे को। ओके हमारे जोन जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोले तो हमारा सर्कल जोन स्टार्ट हो चुका है। एंड अदर हैंड देखा जो टीमों का रोटेशन प्ले जोन के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ऑटो और बात की जाए हमें मिलता के एरिया में, मिलता फार्म के एरिया में काफ़ी ज़्यादा टीमों का ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। MD, केयरलेस, BTG एंड ऑल्सो ओनली ट्रेनिंग भी मिलता के एरिया में पूरा साइड के कंपाउंड यहाँ पे होल्ड किए जा रहे हैं। एंड लेवल अप के प्लेयर्स का रोटेशन आ चुका है। क्या लेवल अप के प्लेयर्स एंड INF की फाइट होने के चांसेस है? फिलहाल तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल अप के प्लेयर्स होल्ड करना चाहेंगे। एंड यहाँ पे चलते हैं BTG की तरफ। फिलहाल तो BTG की बात की जाए तो BTG शैडो OP ब्रिज ब्लॉक करना चाह रहे हैं, वो भी एकदम से ऊपर चढ़ के रूफ पे। क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे BTG? फिलहाल नेक्स्ट लेवल के प्लेयर्स हैं। चलते हैं यूट्यूब रेक्स क्लब के क्लूज में ही आ चुकी है FE की टीम सिचुएशन 4v4 की। OG किलर OP बोलते OG किलर OP आ चुके हैं यहाँ पे, अच्छा खासा रीच कवर कर रहे हैं, एनिमी को अपने स्पॉट कर चुके हैं एंड अभी अपने रिफ्लेक्शंस को ट्राई किया जा रहा है। आई थिंक चेयर पार किया फिर ट्रेनिंग में, अच्छा खासा ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, एकदम वार्म अप करके एंड डायरेक्ट करेंगे फुल बूम। एंड आई थिंक सो क्या डायरेक्ट स्लैमिंग होने वाली है टीम नंबर 7 की टीम YouTube के अगेंस्ट में। बट यहाँ पे देख सकते हैं हम E4 का रोटेशन आ चुका है। आई थिंक सो E4 के प्लेयर्स डायरेक्ट स्लैमिंग कर सकते हैं लेवल अप के प्लेयर्स के ऊपर बिकॉज ऑफ लेवल अप के प्लेयर्स को जोर अच्छा खासा सपोर्ट करें। बट यहाँ पे लेवल अप के प्लेयर्स का रोटेशन अगेंस्ट स्टार्ट हो चुका है जोन पे बोले तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन के। एंड TFW IO उनके प्लेयर्स आ चुके हैं ब्रिज पे, क्या ब्रिज पे फाइट होने की संभावना है? यूट्यूब के प्लेयर्स नेक्स्ट लेवल का पेन बन रहे हैं FE के लिए। एंड अदर हैंड हमें अगेन फार्म के एरिया में काफ़ी ज़्यादा टीमों को ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं ब्रिज की तरफ बिकॉज ऑफ अभी TFW को करना है ब्रिज क्रॉस एंड ऑलरेडी टीम नंबर 5 ब्रिज क्रॉस कर चुकी है। एंड टीम नंबर 5 कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल का पेन बन सकती है अगर ब्रिज होल्ड करते हैं तो। एंड यहाँ पे आते हैं केयरलेस मेटा के साथ। मेटा अपनी BMW लेके एकदम से हैप्पीली अभी तो सर्वाइव कर रहे हैं, घूम रहे एकदम फुल ऑन मस्ती में। बट मेटा के क्लोज में जैसा कि हमें पिंक की टीम शो हो रही है, लाइक लेवल अप की टीम शो हो रही है, वॉल्वेक्स एटिप एंड निंजा भी यहीं हैं। एंड यहाँ पे AKS का किल जा रहा है। एंड ऑलरेडी देखा जाए तो हमें फेरी पेयर के ब्रिज के साइड काफ़ी ज़्यादा टीमों को ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। 4 AM गॉड को यहाँ पे क्या 4 AM गॉड ने यहाँ पे क्या गड्ढे खोद दिए हैं। TNS नीलू FTW का एंड हेल्थ काफ़ी कम कर दी गई है ब्राउन बॉय। अच्छा खासा यहाँ पे मशरूम टावर टीम नंबर 3 RGT प्लेयर्स यहाँ पे मशरूम टावर कवर करें एंड टीम नंबर 5 की भी एंट्री हो चुकी है। एंड सामने है टीम नंबर 7 बोले तो यहाँ पे बेस्ट कंपाउंड सेफ एंड सेपरेट कंपाउंड के लिए सारी की सारी चेजिंग चल रही है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टीम नंबर 5 सेफ एंड सेपरेट कंपाउंड चूज करना चाहेंगे। एंड यहाँ पे TGX क्लोज में आ चुके तो गॉड को नॉक कर दिया, ट्रीजन ने आज फिनिशर को नॉक दे दिया एंड इसी के साथ ट्रीजन ने स्पॉटेड द फिनिशर को फिनिश कर दिया। फोर एम अगेन ट्रीजन आ चुके 1v3 की ओनली ट्रीजन लेफ्ट अगेन महाकाल को नॉक करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। बट यहाँ पे महाकाल ने दिया है बहुत ही प्यारा रिफ्लेक्शन और यहाँ पे हो चुकी है ट्रिक्सी की टीम बोले तो ट्रिक्सी की टीम ऑलरेडी वाइप एंड बोलते यहाँ पे ट्रिक्सी हो चुकी है अल्टिमेट एंड RB शो बोले तो ग्राउंड पे RB शो हो रही है। फिलहाल तो RB के प्लेयर्स अच्छा खासा कंपाउंड ग्रैप करे एंड आई थिंक सो RB के प्लेयर्स अभी पुश करने की कंडीशन फिलहाल कंडीशन उतनी नहीं बन रही है बिकॉज ऑफ जोन सपोर्टिव है, जोन सपोर्ट कर रहा है, कवर है, कंपाउंड है। बट जीमैन के प्लेयर्स का रोटेशन आ रहा है, क्या जीमैन रीच पे रुक के नॉक एंड पुश करना चाहेंगे RB के ऊपर या फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जाना चाहेंगे?
अरे राहुल सरकार जी, आप बहुत ही ओपी किस्म के इंसान हैं। कोई बात नहीं, आईडीपी टाइम पे नहीं दिया। दे पीक। हाँ, कोई रूफ पे चढ़ के पीक दे रहा था, ये तो मैंने भी देखा था। फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट ओपी मतलब टीम नंबर 7 की वैकल की ऐसे की तैसे की जा रही है निक के साइड से। निक चाहते हैं बगी को डैमेज दे दिया जाए एंड फिर प्लेयर्स को नेक्स्ट लेवल का सीन क्रिएट हो। फिलहाल यहाँ पे आईओन की बात की जाए, यहाँ पे आईओन के प्लेयर्स आ चुके हैं अच्छा खासा अपने लिए सेफ एंड सेपरेट पोजिशन पे आ चुके हैं। एंड आई थिंक सो आईओन के प्लेयर्स की जो सिचुएशन है, जो पोजिशन है, उन्हें काफ़ी प्रॉफिट भी रहेगा इस जोन के बाद कटते ही, अगर जोन सपोर्ट करता है। एंड कहीं ना कहीं जोन प्रिडिक्शन आई थिंक सो लग रहा है किधर जाना चाहिए, ये तो हमें फिलहाल कुछ टाइम ही पता चल जाएगा। अभी ये काम भी हमारा नहीं है फिलहाल तो। एंड अदर हैंड देखा जाए तो अगेन टीमों का रोटेशन स्टार्ट हो चुका है, हमारे जोन जी भी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड हमारा नेक्स्ट जोन लगते ही जैसे जैसे सर्कल छोटा होगा वैसे वैसे टीमें काफी क्लोज होंगे, जैसे जैसे टीमें काफी क्लोज होंगे काफी अच्छी फाइट देखने को मिले। एंड अदर हैंड बात किया जाए अगेन हमें आरबी के मैन एंड टीजी की टीम बोले तो एक ही जगह पे 3 टीमें 5 ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ लव ट्रायंगल की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं लगती है बीजीएमआई में। एंड फिलहाल तो कहीं ना कहीं आरबी के प्लेयर्स जैसा बीच में ग्रैब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ टीजी एंड जी मैन क्लोज में। एंड अगर यहाँ पे जी मैन फाइट इंगेज करना चाहते हैं तो आरबी पे, तो यहाँ पे ऋषि वाइटी ऑफकोर्स, यहाँ पे टीजी के टीम थर्ड पार्टी होने के चांस आने, इसी के साथ यहाँ पे हैरो ने स्पॉट करते हुए अगेन भाई अगर ऐसे की तैसी की जा रही है तो भी नहीं की जा रही है। फिलहाल तो यहाँ पे एफ ई के प्लेयर्स की बैकर को डिस्ट्रॉय करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पे आईओन के साइड। इसी के साथ एफ ई के प्लेयर्स ने रिप्लाई में ब्राउन बॉय को हल्का सा डैमेज दिया कि भाई मेरे बैकर छोड़ दो अदरवाइज मैं नॉक कर दूंगा फिलहाल तो। एंड यहाँ पे आईएनएफ के साइड से बात की जो आईएनएफ अच्छा खासा कंपाउंड ग्रैब कर चुके हैं। एंड यहाँ पे आईएनएफ के क्लोज में है एमडी की टीम एंड बाय मिनी यहाँ पे नॉक करने की पूरी पूरी कोशिश बनती है आईएनएफ के साइड से। फिलहाल तो हमारा जोन, ये जो नेक्स्ट जोन कटने वाला है, इस जोन के कटने के बाद ही हमें नेक्स्ट सिचुएशन का पता चलेगा, टीमों के रोटेशन का पता चलेगा एंड क्या नेक्स्ट लेवल का सीन क्रिएट होने वाला है ये भी हमें कुछ टाइम में ही पता चलने वाला है। एंड सरकारी ड्रॉप भी हमारा आने वाला होगा, इस ड्रॉप पे देखा जाए भाई हमसे पहले ओनली ट्रेनिंग आ चुके हैं, ये लूट लेंगे अगर मैं नहीं चेक कर पाई तो। फिलहाल तो MG3 आई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंड ओनली ट्रेनिंग यहाँ से लेके जा चुके हैं अपने टीममेट के क्लोज्ड। ये होती है ड्रॉप की मतलब वो, ओ भाई यहाँ पे जोन सपोर्ट में आ चुका है आई ओन के प्लेयर्स को। एंड अदर हैंड E4 का रोटेशन आ चुका है, लेवल अप को जोन पर करना है, MD को भी जोन पर करना है, केयरलेस एंड ऑल्सो BTG को भी आना है जोन में। फिलहाल तो आई थिंक तो सबसे ज़्यादा टिपिकल सिचुएशन यहाँ पे TFW के प्लेयर्स की होने वाली है बिकॉज ऑफ जोन क्रॉस्ड करके आना है, ब्रिज क्लियर है बट आई थिंक सो उन्हें तो गेस होगा ही कि ब्रिज ब्लॉक हो सकता है। एंड यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं अगेन टीमों का रोटेशन स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टीमों का ट्रैफिक देखने को मिला। एंड यहाँ पे FE एंड ऑल्सो आई ओन पे डायरेक्ट रश होने की चांसेस हैं, यहाँ पे INF के प्लेयर्स आ चुके हैं। एंड क्या आई ओन से अभी ये तुरंत फायर देना चाहेंगे, फिर अभी के लिए होल्ड ऑन करना चाहेंगे एंड देन नॉक एंड पुश की स्ट्रैटेजी अपनाना चाहेंगे। एंड ये हमारी गाड़ी आगे खुद चुकी है। एंड अदर हैंड देखा जाए टी एक्सप्रेस केयरलेस की भी एंट्री हो चुकी है, फुल नॉक करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पे लेवल अप एंड ऑल्सो एफ ई प्लेयर्स की साइड से। फिलहाल तो केयरलेस अपनी पोजिशन लेना चाहेंगे एंड यहाँ पे जी मैन ने को नॉक कर चुका है आरबी की साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉस ने करते हुए अपने अपोनेंट की टीम को बोला तो टीम नंबर 13 के प्लेयर्स को यहाँ पर नॉक दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोक की वॉल जनरेटर के निक को कवर अप किया जाएगा। फिलहाल डाशियन BMW का बहुत ही बोले तो BMW को बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे कवर बनाया गया। एंड TJ के प्लेयर्स INF डीजल को नॉक दे रहे भाई, TJ एंड INF की भी इधर फाइटिंग है जो चुकी, दोनों ही टीमें कहीं ना कहीं एजिस पे बरकरार है एंड इनके आगे पूरा का पूरा प्रेशर ट्रेनिंग एंड डिटॉक्सिक के ऊपर आ चुके हैं। चलते हैं अपन ड्रोन कैमरा का यूज करते हैं, शार्क में निंजा कवर कर रहे हैं खुद के खुद को अच्छा खासा देखा जाए, शार्क जोन में है बट निंजा की सिचुएशन भाई पूरी पूरी लेवल अप की टीम यहाँ पे शार्क कवर कर रही है और 3 डायरेक्शन से ऑलरेडी ग्रैब है। फिलहाल तो अभी टीम उतना ध्यान नहीं देंगे, उतना फोकस नहीं करेंगे बट E4 के प्लेयर्स को रश आने के भी चांसेस यहाँ पे लेवल अप के ऊपर है। एंड अदर हैंड एक शार्क एंड एक ग्रेनेड इट्स इनफ बोलते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डीजल को कवर करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी बट उससे पहले ही कार्टूस ओपी ने स्पॉट करते हुए डीजल को फिनिश कर दिया। ओनली डी टॉक्सिक लेफ्ट एंड ओनली ट्रेनिंग लेफ्ट बोले तो ओनली ओनली ट्रेनिंग लेफ्ट एंड सिचुएशन आ चुकी है टीम 7 के अगेंस्ट में टीम 19 की 2-0 वर्सेस स्कॉट की।
ई फोर स्कैपो नॉक देना शुरू कर चुके हैं। लेवल अप के प्लेयर्स अभी थोड़ा बहुत होल्ड ऑन करना चाहेंगे, बट यहाँ पे आईएनवी कैलवर्ट ने स्पॉट पे यूट्यूब रेक्स क्लब को नॉक दे दिया एंड इजी ओजी किलर ने यहाँ पे लेवल अप वेलबैक्स को नॉक दे दिया एंड आई थिंक सो नॉक अनफिनिश भी कर दिया गया। एंड एमडी के प्लेयर्स की साइड से बात कीजिए, एमडी का अच्छा खासा कंपाउंड ग्रैब कर रहे हैं। टीजी के प्लेयर्स केयरलेस वॉलमॉट की साइड से फाइट लेना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगल जॉल लेफ्ट बिकॉज ऑफ वॉलमॉट एंड मेटा एंड ऑलरेडी यहाँ डी टू ए फिनिश हो चुके हैं। ओनली यहाँ पे अंकल जॉन है एंड अंकल जॉन के क्लोज में है कौन सी टीम, अंकल जॉन के क्लोज में ऑलरेडी देखा जाए तो यहाँ पे टीम नंबर 7 की थी टॉक्सिक एंड ऑल्सो टीम नंबर 15 के स्वैग भी यहीं पर है। फिलहाल तो आई थिंक सो देखा जाए तो ऋषि वाइटी एंड महाकाल के साइड से अंकल जॉन की पोजिशन रिवील एंड बाय अगेन अगेन ऋषि वाइटी यहाँ पे अंकल जॉन एंड ऑल्सो एनमी को स्पॉट करने की कोशिश भी कर रहे, बोले तो अपने अपोनेंट को स्पॉट करने की कोशिश भी कर रहे। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा सर्कल नेक्स्ट लेवल का, अभी TFW के प्लेयर्स को करना है जोन प्रेफर। फिलहाल TWS कौन सी टीम है, विकास यादव प्लीज स्लॉट बता दीजिए हमें, आप स्लॉट बता दीजिए मैं शो कर दूंगी। अगर उससे पहले फाइट लिया होगा तो फाइट तो ऑलरेडी मैं शो ही कर चुकी हूँ। ओनली ट्रेनिंग एंड डिटॉक्सिक काफ़ी सेपरेट है, अगर यहाँ पे ओनली ट्रेनिंग एंड डिटॉक्सिक में से कोई भी एक प्लेयर इधर नॉक होता है तो काफ़ी टिपिकल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है टीम नंबर 19 के साथ। एंड अदर हैंड चलते हैं E4 की तरफ, यहाँ पे E4 के प्लेयर्स की बात की जाए, E4 के क्लोज्ड में कौन है, यहाँ पे E4 के क्लोज्ड में देखा जाए तो टीम लेवल अप है एंड ऑल्सो बात की जो हमारे जोन नेक्स्ट जोन करते हुए एंड कहीं ना कहीं E4 के प्लेयर्स को जोन सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा सरकारी ड्रॉप भी आ चुका है। और FE के प्लेयर्स की बात की जाए तो FE के प्लेयर्स अच्छा खासा बर्न हाउस कवर कर रहे हैं एंड BTG के प्लेयर्स का रोटेशन स्टार्ट हो चुका है। एंड अदर हैंड यहाँ पे FE के प्लेयर्स रेमन के प्लेयर को स्पॉट करके नेक्स्ट प्लेयर का पेन देना चाहेंगे एंड क्या TFW जोन प्रेफर कर पाएगी। फिलहाल तो यहाँ पे TFW बाय ब्रिज जोन प्रेफर करने की पूरी पूरी कोशिश, यहाँ पे दिशु ब्रिज क्रॉस भी कर चुके एंड GSOP क्या चाहते, GSOP तैर के जाना चाहते, बाई बोट जाना चाहते, बट आई थिंक सो GSOP जिस एजिस पे पहुँचेंगे उस एजिस पे काफ़ी ज़्यादा टीमों का ट्रैफिक है, यहाँ पे ईजिली ग्राउंड टच करना GSOP के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल तो यहाँ पे ओनली ट्रेनिंग की जानकारी में बिकॉज ऑफ ओनली ट्रेनिंग की क्लोज में आपकी है टीम नंबर 17 क्रिमिनल बोले तो ओनली ट्रेनिंग में स्पॉट हुए, किंग को नॉक दिया, शैडो ने कवर करते हुए ओनली ट्रेनिंग को नॉक कर दिया एंड इसी के साथ ओनली ट्रेनिंग की कहानी फिनिश होनी है। ओनली ट्रेनिंग को फिनिश कर दिया गया शैडो ओपी के साइड से, इजली क्रिमिनल को कवर अप किया जाएगा। टॉक्सिक ओली अपनी टीम साइड से लेफ्ट है एंड यहाँ पे RB प्लेयर्स की बात की जाए, G-Man इनसेन स्पॉटेड नॉक करना चाहते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद एंड RR राजस्थान रॉयल्स, ओ माय गॉड अच्छा मैच है। बताओ हॉट स्टार भी बता रहा है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अच्छी चीज़ मतलब अच्छा तो ये भी है। फिलहाल तो लास्ट टाइम चल रहा है, बोले तो लास्ट मोमेंट चल रहा है, इसको अच्छे से कवर अप करते हैं देन अदर बात करते हैं। यहाँ पे BH के साइड से देखा जाए माटी एक्सलॉट ऑलरेडी नॉक ओनली अभी लेफ्ट एंड अभी के क्लोज में है टीम नंबर 6 सॉरी हाँ जी भाई G-Man के प्लेयर्स ने क्या गड्ढे खोदे, टीम नंबर 18 बोल दिया एंड अच्छा खासा फोर फिनिशर्स ऐड कर रखा है, यहाँ पे बॉस ने स्पॉट करते हुए फिनिश कर दिया BH को एंड ईजली G-Man इनसेट एंड ऑल्सो निक को रिवाइव कर लिया जाएगा। एट अदर हैंड बात की जाए तो हमारा अगेन ड्रॉप आते हुए RB के प्लेयर्स को भाई जोन सपोर्ट बहुत ही प्यारा कर रहे हैं, अभी भी RB तो कंपाउंड जोन में है, यहाँ पे GS फॉलो अप जोन प्रेफर करने की कोशिश कर, बट आई थिंक सो GS के जोन बहुत ही ज़्यादा खतरे में बिकॉज ऑफ GS बाई अंडर वाटर यहाँ पे जोन प्रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं। एट अदर हैंड देखा जाए तो ये TFW के प्लेयर्स का अलग अलग डिसीजन था या फिर अपनी मन की थी। फिलहाल तो GS आई थिंक सो नॉक आउट भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हमारा फोर्थ जोन है डैमेज देगा एंड अगर GS ग्राउंड टच करते भी तो जिस हिसाब से टीमों की सिचुएशन एंड पोजीशन है जोन के जिसमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। चर्सी OP को आ चुका है नॉक लेवल के साथ से एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या कैलवर्ट चर्सी को कवर अप कर पाएंगे एंड DB टीम नंबर 17 के प्लेयर्स को नॉक करना चाहेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल चर्सी फॉल बैक लेना चाहेंगे बिकॉज ऑफ चर्सी को रिवाइव भी करना, स्कैपो की एंट्री हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चर्सी को रिवाइव करने के लिए। एंड अदर हैंड देखा जाए टीम नंबर 5-17 की डायरेक्ट क्लोजिंग, क्रिमिनल की हेल्थ काफी डाउन है, किंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल जोन प्रेफर करना चाहेंगे, एटम ने स्पॉट दिया क्रिमिनल को, शैडो की हेल्थ काफी डाउन हो चुकी है, यहाँ पे रोहित की भी हेल्थ काफी डाउन है। फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 5 डायरेक्ट क्लोजिंग ने चेक किया, कार्डोस ओपी ने स्पॉट दिया BTG के प्लेयर को नॉक दे दिया, FE के प्लेयर स्पॉट पे BTG रोहित को फिनिश करना, शैडो नॉक एंड सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो यहाँ पे किंग्स ही है जो कि टाइम से पहले फटाफट
कम्फर्ट जोन प्रेफर कर चुके हैं। अदरवाइज शाडो की भी जान खतरे में, यहाँ पे शाडो का रिवाइव होना भी काफी टिपिकल है। TFWGSOP जोन से जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि जोन के अगेंस्ट में सर्वाइव करना इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स टू डेंजरस। एंड अदरवाइज देखा जाए यहाँ पे E4 का भी रोटेशन आ चुका है। E4 के प्लेयर्स स्पॉट करते हुए FE के प्लेयर्स को नॉक देना चाहेंगे। यहाँ ऋषि वाईटी के क्लोज कोई तो है, ऋषि वाईटी के क्लोज में अंकल जॉन। एंड यहाँ पे हम बात कर सकते हैं OG किलर यहाँ पे कौन बन के क्या करना चाहते हैं। OG किलर के सामने हो रही है स्मोकी वॉलेज जनरेट बिकॉज ऑफ वेलवेक्स को रिवाइव करना चाहेंगे जस्ट बैक साइड से E4 की एंट्री। एंड जोन में भी यहाँ पे जाना है कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों को बोले तो टीम नंबर 10 एंड ऑल्सो टीम नंबर 16। फिलहाल तो ओनली 56 सेकेंड लेफ्ट, कैपो को भी करना है जोन प्रेफर। एंड ऑल्सो देखा जाए तो आईओन के प्लेयर्स को भी आना है जोन में। तो जोन जी हमारे नेक्स्ट किधर का रुख लेने वाले हैं, कौन सा रोटेशन लेने वाले हैं, कुछ टाइम में हमें पता चल जाएगा। और तो और बात की जाए यहाँ पे टीम नंबर 16 के साइड से स्कैपो, बोले तो स्कैपो टीम नंबर 10 के साइड से अपनी टीममेट के क्लोज जाते हुए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यहाँ पे टीम 10 का रोटेशन स्टार्ट हो गया। एटम क्या करना चाह रहा है, एटम फर्स्ट ऑफ ऑल जोन प्रेफर करना चाह रहा है, बट उससे पहले ही शिनी जोन ने स्पॉट करते हुए यहाँ पे एटम को नॉक दे दिया। चर्सी ने स्पॉट करते हुए एटम को फिनिश कर दिया। ओजी के लिए स्पॉट करते हुए लेवल अप निंजा को नॉक कर रहे हैं। ओनली वेलवेक्स लेफ्ट एंड यहाँ पे वेलवेक्स जो एक गड्ढे को कवर कर रहे हैं, बोले तो अच्छा खासा कवर है कहीं ना कहीं के लिए, बट ये कवर आउट ऑफ जोन है तो आई थिंक से यहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा वेलवेक्स को भी बिकॉज ऑफ जोन में तो जाना ही है। एंड जस्ट अ बैक साइड में E4 की टीम जो कि नेक्स्ट लेवल का पेन बन रही है ओनली 4 सेकंड में यहाँ पे फटाफट E4 को रोशन स्टार्ट होगा जोन के लिए। आयोन हेवरिन को नॉक दे दिया गया F4 के साइड से। इसी के साथ FE के प्लेयर्स स्पॉट करते हुए यहाँ पे आयोन के प्लेयर्स को कर दिया। आयोन हो चुके एलिमिनेट यहाँ पे, बोले तो FE के प्लेयर्स ने बैकल डिस्ट्रॉय करके आयोन ब्राउन बॉय को फिनिश कर दिया। आरबी यहाँ पे आरबी नॉक निकालना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जेमिन के अगेंस्ट में डायरेक्ट क्लोजिंग हो चुकी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो टीम नंबर 11 के प्लेयर्स भी यहीं पर है। एंड जेमिन ने एंड ऑल्सो यहाँ पे जेमिन बॉस एंड जेमिन इनसेन आ चुके हैं डायरेक्ट क्लोजिंग लेना टीम 11 के अगेंस्ट। फिलहाल टीम नंबर 11 के प्लेयर ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टीममेट के लिए यहाँ पे स्मोकी बॉल जनरेट की, बोले तो यहाँ पे टीम 11 बोले TFW ने स्मोकी बॉल जनरेट की। एंड जस्ट बैक साइड से E4 की एंट्री, जेमिन फुल ऑफ कवर करना चाहेगी बिकॉज ऑफ यहाँ पे डिसएडवांटेज जोन का E4 के पास, बट ये क्या निक ऑलरेडी नॉक इनसेन नॉक ओनली बॉस लेफ्ट। शिनी जोन ने स्पॉट करते हुए इनसेन को बाय बैक कर दिया एंड स्कैपो ने स्पॉट करते हुए निक को फिनिश कर दिया। एंड गेम भाई जेमिन बॉस की एंट्री, शिनी जोन फिनिश, कैलवर इधर निक को वाइप करे भाई। अभी भी देखा जाए नेक्स्ट लेवल का सीन ट्विटर है, बॉस स्पॉट करते हुए कैलवर को नॉक दे दिया एंड जेमिन बॉस ने इधर चर्सी को नॉक एंड फिनिश कर दिया है। फिलहाल तो स्कैपो ने इधर जेमिन बॉस को फिनिश करके यहाँ पे जेमिन को कर दिया है भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इजली। इधर कैलवर एंड श्री जॉय को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, ओनली स्कैपो लेफ्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली 55 सेकेंड लेफ्ट एंड फटाफट टीमों को जोन में भी प्रेफर करना है। बट जैसा कि हम देख सकते हैं जेमिन एंड TFW काफ़ी क्लोज में है एंड अदर हैंड केयरलेस एंड INF भी काफ़ी क्लोज में। अगेन हमें ट्रेल बनते दिख रहे हैं यहाँ पे टीम नंबर 11 की, टीम नंबर 11 यहाँ पे स्मोकर ट्रेल बोले तो जनरेट कर फर्स्ट ऑफ ऑल जोन प्रेफर करना चाहेंगे। और तो और यहाँ पे टीम 19 एंड ऑल्सो 7 की बात की जाए, टीम 7 का जो टीम वर्क था बहुत ही बेहतरीन था एंड ऑल्सो जोन का प्रिडिक्शन एंड जोन का सपोर्ट कर जाना बहुत ही बेहतरीन रहा। बट अभी के लिए जोन आउट ऑफ जोन हो चुकी है, बोले तो FE एंड फटाफट FE को भी जाना है जोन में। एंड ऑल्सो TG की बात की जाए, TG भी आउट ऑफ जोन हो चुकी है। यहाँ पे स्वैग ने स्पॉट करते हुए अपने अपोनेंट को नॉक देना स्टार्ट कर दिया एंड यहाँ पे देखा जाए जोन एकदम ओपन आ चुका है एंड टीमें अब बनाएंगी वैकल के, बोले तो वैकल के कवर बिकॉज ऑफ विदाउट वैकल के कवर में यहाँ पे काफ़ी टिपिकल सीन हो जाता है। एंड जोन जब एकदम ओपन है तो भाई वैकल का कवर तो बनाना ही पड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पे सबसे पहले TG के साइड से वैकल का कवर जनरेट किया गया, आई थिंक सो वैकल का बोले तो टायर को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके फर्स्ट ऑफ ऑल फुल ऑफ कवर करना चाहेंगे। फुल टीम यहाँ पे आ चुकी है, बोले तो TG की टीम फर्स्ट ऑफ ऑल आ चुकी है जोन में एंड यहाँ पे लेवल अप वेलवेक्स को भी करना है जोन पर। शिनी जोन स्पॉट करते हुए यहाँ पे करण ओपी को नॉक एंड फिनिश कर दे, दिशो ओपी ऑलरेडी फिनिश हो गए एंड ओजी करण ने स्पॉट करते हुए लेवल वेलवेक्स को फिनिश कर दे। यहाँ पे वेलवेक्स की टीम बोले तो लेवल अप हो चुकी है एलिमिनेट एंड शिनी जोन स्पॉट करते हुए आरबी विशो ओपी नॉक कर दिया है। यहाँ पे FE ग्रेनेड से महाकाल नॉक हो रहा है जोन से, प्लस अंकल जॉन जा रहा है एंड इसी के साथ भाई ये क्या सीन था, बोले तो फुल टीम फिनिश। TG HK ऋषि YT इधर फिनिश हो चुके। FE की बात की जाए तो 3D में 8 प्लेयर्स 7 टीम 10 एंड ऑल्सो यहाँ पे कार्टूस OP यहाँ पे INV के प्लेयर को नॉक करना चाह रहे हैं। कार्टूस तो फुल ऑन एकदम से नेक्स्ट लेवल का सीन क्रिएट कर रहे हैं देखा जाए तो। फिलहाल हमारा जोन अगेन करते हुए अगेन टीमों को जोन के लिए बोले तो रोटेशन लेना पड़ेगा। स्कैपो ने स्पॉट करते हुए विष्णु ओपी को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश करना चाह रहा है एंड फिनिश्ड भी कर दिया। ओनली लेफ्ट मिस्टर 360 OP
360 ओपी के सामने सिचुएशन 1v2 की है, e4 के अगेंस्ट स्कैपो एंड सिनेजो एट FFE के अगेंस्ट में 1v4 की। एंड क्या गाइस यहाँ पे FE का चिकन डिनर होने वाला है या फिर RB एंड आल्सो e4। फिलहाल तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे FE को करना है जोन प्रेफर। एंड इसी के साथ भाई ओजी किलर को स्पॉट करते हुए शिनिजो ने दे दिया नॉक। आई थिंक सो यहाँ पे FE के अदर प्लेयर्स भी स्पॉटेड है कहीं ना कहीं स्कैपो के साइड से एंड सिनेजो के साइड से। स्कैपो ने इधर कार्टूस को नॉक दे दिया, शिनिजो ने स्टार्ट करते हुए FE को नॉक दिया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ऑलरेडी शिनिजो के साइड से प्लेयर स्पॉटेड है, बट यहाँ पे शिनिजो को पड़ चुका है 360 ओपी का नॉक। ये क्या रोटेशन हो रहा है, ये क्या बोले तो डाइस एकदम चेंज होता दिख रहा है, पोजीशन कन्वर्टर होती दिख रही है बिकॉज ऑफ कहाँ टीम में सैम की पोजीशन काफ़ी बेहतर थी, काफ़ी प्यारी थी। एंड यहाँ पे डुओ वर्सेस स्क्वाड की सिचुएशन में ई फोर ने फिनिश कर दिया है अपने अपोनेंट को, बोले तो एफ ई इधर वाइब हो चुके। शिनिजो जोन से जो आने वाले ओनली 1v1 का सीन स्कैपो वर्सेस मिस्टर 360 ओपी। सो गाइस क्या लगता है आरबी वर्सेस ई फोर का सीन है, फुल एग्रेसिव मोड में यहाँ पे आई हुई है। E4 की टीम काफी अच्छे टीम फिनिशर्स और 13 टीम फिनिशर्स यहाँ पे E4 के प्लेयर्स से निकाल रखे हैं, बोले तो एकदम जहर। एंड अदर हैंड देखा जाए सामने है आरबी की टीम जो कि बहुत ही शालीनता से देखा जाए बहुत ही अच्छे मूवमेंट के साथ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पोजीशन को ला चुके हैं अभी तक तो सेकंड की तरफ। एंड ऑल्सो ई फोर स्कैपो भी सेकंड ही माने जाएंगे, कुछ टाइम हमें फर्स्ट की पोजीशन का पता चल जाएगा। एंड जोन के अकॉर्डिंग देखा जाए दोनों ही टीमें आउट ऑफ जोन है, बट भाई स्कैपो का ग्रेनेड E4 कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर चिकन डिनर, बहुत ही बेहतरीन फिनिशर हुआ था यहाँ पे। E4 ले जा चुकी है चिकन डिनर। एंड अदर हैंड बाकियों की बात की जाए FE के प्लेयर्स से भी काफ़ी अच्छे फिनिशर्स एंड किल यहाँ पे निकाल रखे हैं। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, मिलते हैं रामर की दुनिया में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। एंड अदर हैंड मुझे बार बार एक ही चीज़ रिमाइंड करवाना तो नहीं ही पड़ेगा, फिर भी जिसने भी स्ट्रीम को अभी तक के लिए लाइक नहीं किया होगा प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो।
एक बुलेट का था एक नहीं, हमसे कम कर रहे हैं। तो वेलकम बैक गाइस, जैसा कि अपन आ चुके हैं अगेन एंड अगेन, इससे पहले हमारा आने के पहले ही यहाँ पे गुलशन को पड़ चुका है नॉक। लेट एंट्री अगेन भाई, हमेशा मैं लेट हो जाती हूँ। तीसरी स्क्रीन हमेशा मेरी लेट ओपन होती है, शगुन होता है हमारे तरफ से। खैर यहाँ पे हम देख सकते हैं दो टीमें, बोलो तो टीम नंबर 3 एंड ऑल्सो टीम नंबर 19। पोजीशन की बात कीजिए आरबी एंड आईएनएफ के, आईएनएफ की तो यहाँ पे 4v3 की सिचुएशन है। एंड ऑलरेडी पोजीशन की बात कीजिए, दोनों ही टीमें काफ़ी क्लोज हैं। एंड आरबी के प्लेयर्स ने यहाँ पे बोले तो अपनी ठीक ठाक एवरेज लूट कर ली है। एंड यहाँ पे टीम नंबर 19 के साइड से बात की जाए लैक ऑफ लूट की सिचुएशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल लूट को प्रायोरिटी देते हुए यहाँ पर लूट करना चाहेगी। एंड अदर हैंड बात की जाए आईओन एंड ऑल्सो बीएच एंड आईओन के प्लेयर्स काफ़ी क्लोज नज़र आ रहे हैं। बीएच के प्लेयर्स स्प्लिटेड कंपाउंड लूटना चाहेंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे लेवल अप के प्लेयर्स भी अलग अलग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिटेड कंपाउंड लूटना चाहेंगे, देन करेंगे फुल बूम बाम। ये क्या हो रहा है, लिक्विड एंड लिक्विड के क्लोज में है कौन, लिक्विड के क्लोज में है एरन। सिचुएशन 4v3 की, कोशिश की जा रही है वो नॉट ओपी की साइड से यार। अरे जॉन अंकल सॉरी, वाई यू लेट आवर, मैं थोड़ा सा लेट हो गई इस बार, नहीं तो मैं लेट नहीं हमेशा आती, प्लेन के साथ आ जाती हूँ। फिलहाल यहाँ पे लिक्विड के प्लेयर ने अच्छे खासे गड्ढे खोद दिए हैं। एंड एरन की टीम हो चुकी है एलिमिनेट, फर्स्ट टीम अभी जस्ट वाइव हुई है यार, उतना लेट नहीं हुआ।
लिखा गया है, हे दिस जे दिस। ओके फाइनली एवरीथिंग इज फाइन। करते हैं फाइट पे फोकस यहाँ पे लेवल अप। एंड ऑल्सो बात की जाए बीएच की, बीएच लेवल अप काफी क्लोज में शो हो रहे हैं। क्रोस की सिचुएशन एंड पोजीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग देखा जाए क्रोस क्या करना चाह रहे हैं। क्रोस विदाउट गन ओपन में ऐसे खड़े हुए हैं, आई थिंक सो क्रोस इज ऑफलाइन। एंड यहाँ पे बीएच के प्लेयर्स आ चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता क्लोज इन, एंड क्रोस की जान खतरे में। क्रोस बहुत ही जल्द नॉक होने वाले हैं अगर क्रोस ऑनलाइन नहीं आते हैं तो, बिकॉज ऑफ बीएच के प्लेयर्स धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होना चाह रहे हैं। एंड ई फोर की बात की जाए, ई फोर ने इधर केयरलेस के अगेंस्ट फाइट इंगेज कर दी। एंड ऑल्सो हिट मैन नॉक हो चुके, एफ टी डब्ल्यू हो चुके, पूरा का पूरा प्रेशर डी टू ई एंड ऑल्सो विक्ट के ऊपर आ चुका है। एंड कहीं ना कहीं अभी के लिए उस सिचुएशन से डी टू ई मिड रेंज कवर करें। एंड विक्ट की बात की जाए, विक्ट ऑल्सो फॉल बैक लेना चाहेंगे बिकॉज ऑफ केयरलेस की पोजीशन की बात की जाए तो यहाँ पे डी टू ई एफ टी डब्ल्यू एंड ऑल्सो विक्ट दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट रोटेशन बोले तो एक दोनों के अगेंस्ट में दूर जा रहे हैं। एंड अदर हैंड फोर्थ ऑफ ऑल अभी के लिए फॉल बैक लेते हुए लास्ट जोन में केयरलेस करना चाहेंगे फुल बूम्बा मैन। इसी के साथ यहाँ पे ई फोर ने हिटमैन को स्पॉट करते हुए नॉक करते हुए फिनिश कर दिया है। बोले तो चर्सी ओपन इधर चरस नेक्स्ट लेवल का अगेन क्रिएट कर दिया है। एंड इसी के साथ बहुत ही सुंदर जो पेटी इन्होंने पैक किया उसको बहुत ही आराम से लूटा जा रहा है। एंड लिक्विड के प्लेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पे लिक्विड आराम से अपने बी एम डब्ल्यू से बहुत ही लॉन्ग ड्राइव बहुत ही लंबी दूरी तय करने वाले हैं। एंड हमारा जोन जैसा कि हम जोन देख सकते हैं कुछ टाइम में हमारा सेकेंड जोन स्टार्ट होने वाला है, बोले तो फर्स्ट जोन स्टार्ट होने वाला सेकेंड टच करने वाला है। एंड अगेन जैसे जैसे सर्कल छोटा होगा टीमों का रोटेशन स्टार्ट होगा, जोन जैसे जैसे कवर अप करेगा टीमें काफ़ी क्लोज आएंगी। एंड जैसे ही टीमें क्लोज आएंगी हमें काफ़ी अच्छे इंटेंस फाइट देखने को मिल सकती है। और तो और बात की जाए एन टी एक्स की, एन टी एक्स पावर ग्रिड पूरा क्लियर कर चुके हैं लूट के लिए बोले तो लूट के अकॉर्डिंग। एंड अदर हैंड देखा जाए एन टी एक्स क्लोज में लिक्विड के प्लेयर्स का रोटेशन जा रहा है और आई थिंक सो लिक्विड के प्लेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल जोन सेंटर ग्रैप करना चाहेंगे। एंड यहाँ पे ट्रिक्सी की बात की जाए, ट्रिक्सी जोन के यूजेस पे आराम से अच्छी खासी लूट के साथ भ्रमण करते हुए पाए जा रहे हैं। एंड यहाँ पे एफ ई एंड जे मैन बिग सिटी बोले तो अच्छा खासा यहाँ पे कहीं ना कहीं जे मैन पूरी की पूरी बिग सिटी लूट रही है, ग्रैब कर रही है, बोले तो पूरा का पूरा छोटा याचना ही बड़ा याचना भी बोल सकता। एफ टी डब्ल्यू यार ये केयरलेस है या एफ टी डब्ल्यू केयरलेस की दो प्लेयर्स ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं मेटा एंड हिटमैन, ओनली लेफ्ट एफ टी डब्ल्यू एंड विक्ट बोले तो के सी आर एल एस एक्स डी टू ई एफ टी डब्ल्यू एंड ऑलरेडी सी आर एल एल एस एक्स विक्ट ओनली लेफ्ट। ओके चलते हैं INF की तरफ। INF एंड RB काफ़ी क्लोज में आ चुके हैं फिलहाल तो यहाँ पे देखा जाए RB एंड INF के सिचुएशन की बात की जाए, सिचुएशन फिलहाल ग्राउंड पे हमें शो हो रही 3v2 की, यहाँ पे लेनी देनी चलते कितना प्यारा टीम वर्क है। और एक हमारे टीममेट होते हैं कि ग्रेड्स से उड़ा के भी पेटी लूट लेते हैं, खैर अब तो चलो उन लोग को भी पनिश किया जा सकता है पर पहले ऐसा कुछ नहीं था तो बहुत दिक्कत हो जाती थी। खैर यहाँ पे बात कीजिए INF के प्लेयर्स की तो यहाँ पे INF सेपरेट स्प्लिटेड लूटना चाहेंगे फिलहाल पर डीजल एंड डिटॉक्स क्लोज में, बट वेयर इज ओनली ट्रेनिंग आई थिंक सो मिड रेंज कवर कर रहे हैं, वाटर सिटी की तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड अपनी लूट को कवर करते हुए अपनी टीम को कवर करना चाहेंगे। एंड TFW यहाँ पे रही TFW दिशु बहुत ही सोच के एक एक चीज़ ले रहे हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये स्टॉक नहीं चाहिए, मैं हाफ ग्रिफ फेंक दूंगा, मुझे फ्लैश हेडर नहीं चाहिए, मैं कंपनसेटेड लूंगा, मेरी AKM रिकॉइल नहीं करेगी, एकदम स्प्रे चलेगा। फिलहाल तो SKS चलाई जा रही है यहाँ पे दिशु के साइड से। एंड अदर हैंड हमारा बोलते गवर्नमेंट ड्रॉप आ चुका है केयरलेस के वे में, बोल तो केयरलेस की ही डायरेक्शन में कहीं ना कहीं E4 चर्सी OP बोल तो E4 की टीम यहाँ पे निकल चुकी है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। E4 आ चुकी है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, बट ये क्या E4 ने वापस अपनी स्टेयरिंग घुमाई। एंड आई थिंक सो क्या यहाँ पे E4 वोटर ट्रीटमेंट की ओर अगेन जाना चाहते हैं, थोड़ा सा E4 यहाँ पे कंफ्यूज लग रही है, अप एंड डाउन वाला सीन चल रहा है फिलहाल तो।
हमारी टीम ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज ऑफ हमारा जोन स्टार्ट हो चुका है एंड व्हीकल चाहिए था यहाँ पे E4 के प्लेयर्स को। जैसा कि हम देख सकते हैं 4AM के प्लेयर्स भी बोले तो यहाँ पे ट्रिक्सी को कवर अप करने के लिए आ चुके हैं। FE का रोटेशन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे DIOS का भी रोटेशन स्टार्ट हो चुका है एंड अदर हैंड RB के प्लेयर्स अच्छा खासा सिटी ग्रैब करके बैठे हुए हैं। फिलहाल टीम 11 ओके लेट मी चेक। टीजी ऋषि इंस्टा अगर बॉट को वो नहीं दिया होगा कमांड तो वो इंस्टा या ट्विटर नहीं शो करेगा। ऋषि जी डिस्कॉर्ड पे कांटेक्ट करिए, वैसे होगा डिस्कॉर्ड पे इंस्टाग्राम सर्वर का। टीम 11 अभी टीम 11 को अभी भी तो देख रहे थे इससे पहले भी। फिलहाल अभी के लिए मैक्सिमम टीमें स्प्लिटेड हैं सेपरेट सेफ लूट कर रही हैं। हमारा फोर्थ जोन में स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि मिरामर की दुनिया थोड़े से काफ़ी लंबी टाइम तक के लिए चलती है, हमारा फोर्थ जोन कटने में काफ़ी टाइम लगता है, उतने में अच्छी खासी प्लेयर्स की लूट भी हो जाती है एंड काफ़ी स्प्लिटेड सेफ लूट हो जाती है हम ये भी कह सकते हैं। यहाँ पे साइनऑफ की तरीके उतनी हौच पौच नहीं मचती है एंड अगेन जैसा कि हम देख सकते हैं ग्रेव यार्ड एंड पिगार्डो की सभी टीमों का ट्रैफिक देखने को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जेमैन TJ REB एंड ऑल्सो NTX आ चुके हैं एंड यहाँ पे FE का रोटेशन हो चुका है जोन के। और बात की जाए जोरो की, जोरो पिकार्डो को लीव करते हुए सैन मार्टिन ग्रैप करना चाहेंगे एंड यहाँ पे बात की जाए TFW को भी करना चाहिए जोन पर, बिकॉज ऑफ TFW है आउट ऑफ जोन एंड हमारे जोन जी आ चुके हैं। फिलहाल तो फाइट होने की चांसेस हमें लग रही है NTX एंड ऑल्सो REV की, बिकॉज ऑफ NTX जेमैन एंड REV एंड पावर ग्रिड की साइड से देखा जाए FE का जो रोटेशन है कहीं ना कहीं आगे जाके आपस में टकरा सकता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जोन कटते हुए और टू और कहीं ना कहीं RB INF केयरलेस एंड लिक्विड प्रॉफिट में, बिकॉज ऑफ जोन सपोर्ट कर रहे एंड जोन की छत्र छाया तो भाई नेक्स्ट लेवल होती है देखा जाए तो। फिलहाल TG एंड 4AM आ चुके हैं काफ़ी क्लोज सिचुएशन देखा TG एंड 4AM की ग्राउंड पे। फिलहाल तो अभी शो हो रही है ट्रियो वर्सेस डुओ की, बट यहाँ पे सिचुएशन है 4AM के अगेंस्ट में 15 बोले तो TG की ट्रियो वर्सेस ट्रियो की एंड यहाँ पे ट्रिक्सी विथ मिराडो अगेन जोन के लिए रोटेशन लेना चाहेंगे एंड 4AM गॉड क्या चाह रहे हैं। गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल स्कारल मार्क की जा रही है, स्कारल पड़ी हुई है बट IFM4 तो मैं नहीं उठाने वाला। ओके चलते हैं हम भी अगेन जोन की तरफ, बिकॉज ऑफ जिस लेवल का टीमों को रोटेशन देखने को मिल रहा है कभी भी कहीं भी फाइट होने की चांसेस है एंड अदर हैंड बात की जाए जोन के एजेस पे रियो एंड ऑल्सो लिक्विड सॉरी लेवल अप के प्लेयर्स भी रोटेशन लेते हुए देख रहे हैं एंड काफ़ी क्लोज है यहाँ पे ग्राउंड पे टीमों को 13 ऑलरेडी स्पॉट करके ना करने की पूरी कोशिश भी की है बोले तो टीम नंबर 16 के प्लेयर्स को ऑटो और एटम के वैकल की भी एकदम से लंका लगाई जा रही है। नेक्सस ऑलरेडी नॉक पड़ चुके, पूरा का पूरा प्रेशर कहीं ना कहीं निंजा के ऊपर आ चुका है, बिकॉज ऑफ अभी के लिए इस सिचुएशन के लिए एटम थोड़ा सा रेंज कवर कर चुके। फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोक की वॉल जनरेट की जाएगी यहाँ पर निंजा के साइड से बिकॉज ऑफ नेक्सस को कवर करने के लिए एंड ऑलरेडी कहीं ना कहीं दो साइड से दो डायरेक्शन से यहाँ पे ऑलरेडी लेवल अप देखा जाए ग्रैब हो चुकी है एंड जस्ट अ बैक साइड टीम नंबर 13 की एंट्री एंड अदर हैंड यहाँ पे देखा जाए LTG रोटेट करके जस्ट सामने आ चुके निंजा के अगेंस्ट 1v1 के सिनेरियो के साथ LTG ने स्पॉटेड भी अपने निंजा को नॉक कर दिया। ओनली एटम लेफ्ट, क्या एटम अपनी टीममेट्स को कवर अप कर पाएंगे बिकॉज ऑफ एटम मिड रेंज कवर कर रहा है या फिर एटम अभी के लिए इस सिचुएशन से फॉल बैक लेना चाहेंगे। फिलहाल तो एटम अभी के लिए सिचुएशन से फॉल बैक लेना चाहेंगे एंड कहीं ना कहीं एटम का ये डिसीजन उनकी टीम के लिए प्रॉफिट में भी रहेगा बिकॉज ऑफ लास्ट प्लेयर एंड ऑलरेडी सिचुएशन काफी डिफिकल्ट। जोन भी प्रेफर करना है एंड जोन की बात की जाए तो यहाँ पे जोन में लिक्विड एंड BH आ चुकी है काफी सिचुएशन। लिक्विड एंड BH की बात कीजिए 4v4 की पड़ चुका है, BH को स्पॉट करते हुए राम ने दे दिया यहाँ पे नॉक, स्पेंसर को नॉक दे दिया एंड पूरा का पूरा प्रेशर कहीं ना कहीं अदर प्लेयर्स और टीम BH के ऊपर आ चुका है एंड बात की जाए ग्राउंड पे टीम 11 एंड ऑल्सो टीम नंबर 9 भी शो रही, कभी भी इस एसिड एंड NTX की भी एंट्री हो सकती है और
अदर हैंड बात की जाए यहाँ टीम 20 की साइड से, टीम 20 क्या करना चाहते हैं, टीम 20 फर्स्ट ऑफ ऑल वार्ड नॉट ओबी को रिवाइव करेंगे, देन फुल ऑन एग्रेसिव मोड में डायरेक्ट पुश करना चाहेंगे। फिलहाल दोनों ही टीमें काफी क्लोज आ चुके हैं। अदर हैंड बाकी बात की जाए अभी जिस हिसाब से अकॉर्डिंग टू ग्राउंड मैक्सिमम टीमें स्प्रेडेड है सिर्फ और सिर्फ टीजी एंड आरईवी के अलावा, एंड यहाँ पे लिक्विड एंड एलटीजी का भी रोटेशन स्टार्ट ही होने वाला है एंड इसी के साथ वार्ड नॉट ओपी को इजी रिवाइव कर लेगा। बट ग्राउंड पे जमीन भी शो होने लगी है बीएच एंड लॉट लिक्विड के कंफ्यूजन बहुत ही जल्द आने वाला है एंड अगेन गुलशन को यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज भी दिया गया है। माइट के एंगल से देखा जाए तो माइट फर्स्ट ऑफ ऑल नॉक एंड पुश की स्ट्रैटेजी अपनाना चाहेंगे, कहीं ना कहीं दो डायरेक्शन से यहाँ पे लॉट को बोले तो लिक्विड को ग्रैब करने की कोशिश की जा रही है, लिक्विड बोले तो पूरी पूरी टीम को दो डायरेक्शन से ग्रैब करने की कोशिश की जा रही है। व्हीकल की भी व्हीकल को भी यहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया गया एंड टीम 20 के साइड से देखा जाए तो टीम 20 के प्लेयर्स क्या चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अर्श ने स्पॉट करते हुए राम को दे दिया नॉक और इसके साथ डायरेक्ट पुश करना चाहेगी यहाँ पे बी एच की टीम बिकॉज ऑफ राम नॉक हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेथ गॉड राम को रिवाइव करना चाहिए, ओजी किलर माइकी को नॉक दे रहे एंड ये क्या हुआ, ओजी किलर की दोस्तों बैक साइड से एंट्री एंड नेक्स्ट लेवल का सीन यहाँ पे शो हो रहा है। गॉड 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 को नॉक कर रहे हैं यहाँ पे बीएच के अगेंस्ट में देखा जाए ओनली एक गॉड लेफ्ट एंड यहाँ पे एक्सरॉट को स्पॉट करते हुए गॉड लिक्विड के ऊपर सिचुएशन आती है 1v4 की, ओनली एग्जॉट लेफ्ट। अगर यहाँ पे बीएच को अपनी पोजीशन निकालनी है तो 1v4, अदरवाइज अभी के लिए बीएच की काफी टिपिकल एंड पैनिक सिचुएशन चल रही है। एंड ग्राउंड के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं टीम 7 भी यहीं पे वेट कर रहे थर्ड पार्टी करने का, यहाँ पे बीएच हो चुके एलिमिनेट बट जैसा कि टीम 7 जैसा बैक साइड है एंड कभी भी यहाँ पे टीम 7 थर्ड पार्टी कर सकती है एंड कार्टूज ओपी भाई एम24 को फटका देना चाहते हैं। हेडशॉट पे हेडशॉट अंकल जॉन आपको क्या लगता है मैं कहाँ से हो सकती हूँ, जस्ट गेस। फिलहाल आपका जो दो ऑप्शन है दोनों सही है, दोनों में से एक तो है ही है, यूपी और दिल्ली, दोनों में से क्या